कांग्रेचुलेशंस मिस नंदिनी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। आखिरी क्लास पहुंचते पहुंचते वो लॉयर बनना चाहता था। ये देशद्रोही बेकसूर है, ये मैं साबित कर सकता हूं। और जब वो 10th में पहुंचा तब उसने सोच लिया कि वो किसान बनेगा। मैं अपने परिवार को खुशी देना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे ही भरोसे इस काम में हाथ डाला है। अनजाने में गलती की हो तो हमें माफ कर देना धरती माँ। पर अब जो कुछ भी बनना है उसके लिए इसने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। लाइफ में इसे दो चीजें बहुत पसंद है, एक है झगड़ा और दूसरा झगड़ा ही। इसकी दो आदतें हैं, एक है ढूंढ कर मारना और दूसरा उठा कर ले आकर मारना। लेकिन इसकी एक वीकनेस है, दो प्रेमियों का बिछड़ना इससे देखा नहीं जाता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ भाई, अगर वो नहीं मिली मैं अपनी जान दे दूंगा। बातों की हेल्प की है ना, तो इसकी भी हेल्प कर दो बेटा। अरे बड़ा आदमी बोल रहा है तो हेल्प करनी चाहिए यार। वो तुझसे प्यार करती है। हाँ भाई, मैं भी उसे फोन पर बात कराता हूँ। हेलो, कल मेरी शादी होने वाली है, अगर कल आकर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले गए तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। लाइफ लॉन्ग ऐसे ही लव को मेंटेन करना, कल तुम्हारा आशिक आ जाएगा। हेलो, अरे टाइम हो गया है, ये अब तक आए क्यों नहीं? शायद वो दुल्हन के जैसे कपड़े पहन रही होगी। रिंग तो जा रही है पर कॉल रिसीव नहीं कर रही है। उसका इंतजार करोगी तो शादी क्या सुहागरात भी मिस कर दोगी। ए देखो वो आ रही है। I'm sorry. लगता है बहुत लेट हो गई ना, ये हमारे लिए कोई नया थोड़े ही है। एक्चुअली हमारे बैच में से ना तुम्हारी शादी पहले होनी चाहिए थी। नो वेज, मैं किसी ऐसे वैसे के लिए कमिट नहीं होने वाली। मेरी अपनी कंडीशंस हैं, ड्रीम्स हैं, फीलिंग्स हैं। वो तो सबकी ही होती हैं। ओहो, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मेरे बॉस बजरंगबली हैं। मैं जिससे शादी करूंगी उसे इनके भगवान जी जैसा होना चाहिए, मतलब श्री राम जी जैसा। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया भाई। वो देखने में फिल्मी हीरो लगता है भाई, लेकिन है वो विलेन। उसे हिंसा के बारे में कुछ भी पता ना हो, अहिंसा का पालन करने वाला। उसे ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करें। ए, सोल्जर आया, भागो भागो। उसे ऐसा होना चाहिए जिसकी हर कोई इज्जत करता हो। hey, चलो पकड़ो उसे। मेरा दोस्त एक बुलेट की तरह है, जो एक बार बंदूक से निकल जाता है तो सीधा निशाने पे जाके लगता है। और तुम लोग यहाँ उसे नीचे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तुम्हारे जैसा नीचे नहीं रहता है, टॉप पे रहता है। तू नीचे रहे या मिडिल में रहे या टॉप पे रहे, आज तू मेरे एरिया में फंस गया प्यारे, अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। ए बेवकूफ, हमेशा मैं टॉप पर ही रहना पसंद करता हूँ, इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख सके, बल्कि इसलिए ताकि मैं लोगों को देख सकूं। मारो! तुझे क्या लगा मैं डर के भाग जाऊंगा? यू फूल, मैं तुझे भगा के यहाँ तक लेकर आया हूँ ताकि तुझे यहाँ लॉक कर सकूँ। एक बार चारों तरफ देख ले।
देखता हूँ तू कैसे डायलॉग मारता है। अटैक। बहुत लोगों ने मारा तो मास होगा, थोड़े लोगों ने मारा तो क्लास होगा, कई लोगों ने मारा तो बेस्वाद होगा, और तुम लोगों ने मारा तो कॉमेडी जैसा होगा। लेकिन अगर मैं मारू तो हमेशा मस्त ही होगा। अरे यार पुलिस वाले भी आ गए। अरे अब क्या होगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? होने वाले हनुमान जयंती के शो के लिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था साहब जी। आपको आता देख सब लोग डर से भाग गए। है, चलो दे दो। मेरे बीवी ने तुम्हें ये स्वीट बॉक्स देने के लिए कहा है। अरे ये क्या है? हमने सोचा ऐसा ही उसे अरेस्ट करेगा, लेकिन वो तो इसे पैकेट दे रहा है। एक रुपया खर्च किए बगैर बेटी की शादी की। एमएलए का बेटा इसका दामाद बना तो इसे क्यों अरेस्ट करेगा? देखो इसकी बेटी है ना, उसके लवर को हेल्प इसने ही किया है। अरे बाप रे बाप। अरे अंकल इतना ही नहीं, इस एरिया के डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ओनर्स, स्टूडेंट, छोटे से लेकर बड़े तक सब इसके बहुत बड़े फैन हैं। Hence here is the conclusion. Theory of relativity is the point to ponder upon that we did here today. Have a nice day. हमेशा ऐसा ही करता है, रात भर घूमता रहेगा और फिर दिन भर सोता रहेगा। पता नहीं कब ये सिलसिला खत्म होने वाला है। मेरा टिफिन कहाँ है? देख लेना। सर ने आज जल्दी खाना भी शुरू कर दिया। खा लो। सुबह क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? खाते वक्त नजर लगा रहे हैं। नजर लगा रहा हूँ? अरे ये मारे थे चार लोगों की आंखें निकल जाएंगी, ये आपको नहीं पता है? मेरे कॉलेज में, मेरे क्लासरूम में, मेरे स्टूडेंट्स पर हाथ उठाया है इसने। शुक्र कीजिए आपको नहीं मारा। उस दिन से वजह पूछ रहा हूँ, मुंह ही नहीं खोलता है। पहले उसे पूछ कर बताओ क्यों मारा था उसको बेटा? रास्ते पर चलने वाली लड़कियों को धमकी देकर चिढ़ा रहा था, तो और क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट आई तो मैंने एक्शन लिया। माँ मैंने सही किया ना? सही है ना? ये सर हाँ बोल रहे हैं और तुम भी हाँ में हाँ मिला रही हो। क्या करेक्ट है, सब रॉन्ग है। एक क्रिश्चियन लड़की की मुसलमान लड़के के साथ राम मंदिर में शादी करवाई इसने। ये क्या किया तूने? इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मैरिज ब्रोकर बन जाएगा। देखो कल अगर मेरी बेटी ये कहती कि वो किसी से लव करती है तो उसकी शादी चर्च में करवा देगा। अब तुम यहाँ से जाओ बेटी। ये भी उंगली दिखा रही है, चल निकल। उल्टे सीधे काम करता रहता है तू। उनके मंदिर में शादी क्यों करवाई? दूसरों के लफड़े में क्यों पड़ता है तू? अरे माँ, मुँह का खाना तो निकलने देना। रुक बताता हूँ, वो दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे को छोड़कर जी नहीं सकते, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए चला गया। देखा तो संडे है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज था और बाजू में राम मंदिर था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उन दोनों ने खुद ही डिसाइड किया। मैं तो अपने हाथ बांध कर खड़ा था, मंगलसूत्र बांधने तक चुप था, लेकिन मंगलसूत्र बांधने के बाद अरे अरे अपवित्र हो गया। वो मुंह खोलकर ऐसे चिल्लाने लग गए और मेरे पुराने दुश्मन को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली वो बीच में आ गए, तो मैं भी फील्ड में आ गया। और तुम हो कि पापा की बातें सुनकर मुझे सुना रही हो, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती है माँ। सुन लिया सर। अरे ये कितना केयरलेस है, सुन लिया? मेरे बच्चों को देखो, छोटी वाली इंजीनियरिंग पढ़ रही है, बड़ा लड़का डॉक्टर बनकर मुंबई में सेटल हो गया है। उन दोनों को देखकर मुझे गर्व होता है, मगर सर बेरोजगार बैठे हैं, कौन लड़की इनसे शादी करेगी? एक बात मैं साफ साफ बता देता हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए निर्मला देवी जी, आपके इस बेटे की इस जन्म में तो शादी नहीं होने वाली है। हाथ क्यों धो लिया, थोड़ा और खा लेना बेटा। कैसे जाएगा माँ? अरे सुन तो बेटा, आपने सच में गलती की है भैया। बेचारे उस लड़की के माता पिता, उस लड़की के बारे में, उसके खानदान के बारे में आपने कुछ तो सोचा होगा। जिनकी जान को खतरा है वैसे लवर्स को मैं बचाता हूँ तो वो दोनों कितना खुश होते होंगे, जरा इसके बारे में सोचना है। बढ़िया आई। फिर भी आपने गलती की है,
देखो बहना, लवर शादी से पहले अपने माँ बाप को मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंगे, ये उन लोगों का फैसला है। मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। बस यही तो है मेरा कॉन्सेप्ट। आपके इस कॉन्सेप्ट की वजह से आप जरूर एक दिन पछताओगे, देख लेना। हाँ? I'll be waiting. कम से कम आज भर के लिए तो मेरी इज्जत बचा लीजिए सर, ये देश सेवा है। तुम्हारा ड्रेस देख लेंगे ना, पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे। बचपन में हाथ में ये सोल्जर लिखवा लिया है तो इससे कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। सुबह सुबह जब मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कब आपका बेटा देश की सेवा करने जा रहा है। मैं क्या कहूँ उनसे, आप एक भी रुपया खर्चा मत कीजिए, वो सब देखने के लिए मैं हूँ। आप सिलेक्शन प्रोसीजर अटेंड कीजिए और मेरी इज्जत बचाइए। ये सब क्या, अरे जाइए जाइए। स्टेप वॉकिंग सर। दैट्स राइट। नमस्ते सर, सूर्या लिख लो। भागो। यस सर। यस गो, कम ऑन। तो यहाँ बाहर क्यों बैठा है बेटा, अंदर आना चाहिए था ना। जब मेरे पास मेरा ये भगवान है तो मुझे उस भगवान की क्या जरूरत है माँ। ओ, दिल छू लिया तूने मेरा सोना बेटा। खर्चे के लिए पैसा चाहिए क्या? नहीं माँ। ए, क्यों तेरे चेहरे पर 12 बजे हैं? जरा हंसना। हाँ, रोज तुम्हारे पति से गाली खाकर हंसता ही रहूंगा। आज पापा कह रहे थे कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। माँ कुछ भी बोलो लेकिन मुझे आपके पति पर बहुत गुस्सा आता। अरे, है वो मेरे पति है, थोड़ी तो इज्जत कर बेटा। आई नो माँ, बट ही इज हर्टेड मी। तू ये बातें सीरियसली क्यों लेता है? सीरियसली नहीं लू तो और क्या करूँ। चलो मानता हूँ कि मैं बचपन में डॉक्टर, लॉयर, बॉडी बिल्डर, सोल्जर और कुछ कुछ बनना चाहता था, लेकिन आजकल मेरे एम्बिशन कुछ चेंज हो गए हैं। तो अब क्या बनना चाहता है तू? फादर बनने का डिसाइड किया है। अरे चर्च फादर? नो मम्मी, यू आर मिस्टेकन मी। शादी के बाद जो बनते हैं ना वो फादर। नालायक कहीं का। सोने जैसी लड़की से प्यार करके तुम्हारे पति के सामने लाकर खड़ा करके ये बुलवाऊंगा, अंकल इस लड़के के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी, प्लीज अंकल मैं आपके बेटे से ही शादी करूंगी। ऐसा अगर नहीं बुलवाऊंगा ना तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अरे? तेरा बेटा कोई लोकल लीडर नहीं है माँ, आशीर्वाद दो। ओहो, मेरा बेटा तो मल्टी टैलेंटेड है, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है। इस वेदर में गर्म गर्म कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है बताओ? लव करना है मुझे, लड़की ढूंढ के दे। सबको सब तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती, वो क्या है ना कि सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तुम बताओ तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, मैं ढूंढूंगा। मेरी होने वाली क्लासिकल होनी चाहिए, आई मीन होमली होनी चाहिए। उसे ये चॉकलेट आइसक्रीम ये सब है ना बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए। I love ice creams. बड़े लोग छोटे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली, दिखा नहीं देता क्या? चलो जा। अरे बड़ा छोटा देखे बिना बात करती है, तुझे बेवड़ा पति मिलेगा ये मेरा श्राप है। तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रहा है तू? उसे मेरी तरह छोड़ दे, बारिश में मजा आना चाहिए। क्यों आ जाती है, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, उसे पिंपल रहेगा तो चलेगा मगर डिम्पल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। डिम्पल नहीं रहना चाहिए? ये क्या गुरु, डिम्पल वाली लड़की तो बहुत सुंदर दिखती है। अरे वही तो मैटर है, उस डिम्पल के ही वजह से तो मेरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया। नहीं समझा? हाँ, मेरी लाइफ का एक सीक्रेट मैं तुझे बताता हूँ, सुन ले ध्यान से। बता। आई एम हैविंग डिम्पल फोबिया। डिम्पल कपाड़िया सुना था, डिम्पल फोबिया पहली बार सुना है। ये कोई बीमारी है? मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो झगड़ा शुरू हुआ था ना वो उस डिंपल की वजह से। वाह। अरे यार मेरी चाय गिरा दी तूने। सी माय फ्लैशबैक। आज मेरा बर्थडे है। विश यू हैप्पी बर्थडे। अरे तू मेरी गर्लफ्रेंड। मैं 7th स्टैंडर्ड में था और फाइनल एग्जाम थी, मैंने सारी रात जाग कर पढ़ाई की थी, पेपर भी अच्छा ही लिखा था। अचानक घूम कर देखा तो वही लड़की स्माइल दे रही थी, डिंपल, सब कुछ भूल गया, फेल हो गया। उसके बाद वही फीलिंग 10th में भी आ गई, वंस अगेन डिंपल। बुक पकड़ने के लिए बोला तो हाथ में जो हॉल टिकट था वो नीचे गिर गया और पढ़ा हुआ सब भूल गया, एक सब्जेक्ट उड़ गया, रिजल्ट फेल। सो एम्बिशन चेंज। जैसे तैसे करके सेकंड ईयर तक मैं पहुंच गया। ट्रैफिक सिग्नल रेड था, बाजू में देखा तो एक स्कूटी खड़ी थी और उस पर पिंक चूड़ीदार में एक लड़की थी और उसे भी डिंपल था। ट्रैफिक सिग्नल रेड से कब ग्रीन हुआ कुछ पता ही नहीं चला। पीछे से क्वालिस ने ठोकर मारी तो मुझे पता चला कि मेरी बुलेट टूट गई। एग्जाम से ज्यादा मेरी गाड़ी ही इम्पोर्टेंट थी।
सो मैं गिर जाऊंगा यार, क्या कर रहा है तू? अगर वो डिंपल नहीं दिखा होता तो या तो मैं लॉयर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाता, लेकिन उस एक डिंपल की वजह से मेरे सारे एम्बिशंस का एक्सीडेंट हो गया, मेरी लाइफ वहीं पर रुक गई। सो डिंपल रहने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे साइड हटो, साइड हटो यार, अरे हट जाओ यार। हेलो, हाँ बोलना। I love you. अरे ये लव प्रपोज करने का टाइम है क्या? सो जाओ, सो जाओ। चलो चलो। गुरु, हेलो गुरु, क्या है बे? लव हो गया क्या तुमको? अभी मुझे लव हुआ है ये जरूरी नहीं है, मुझसे उस लड़की को लव हुआ है ये बहुत जरूरी है। मतलब लव एट फर्स्ट साइड? अरे काई को ऐसा समझने का, फर्स्ट डे में टेंपल, सेकंड डे में जिम में, थर्ड डे में कॉफी डे में देखा, ऐसा समझ जाने का। अच्छा ये बता, लाइफ में तुझे किसी लड़की ने ऐसे आई लव यू बोला है क्या? नहीं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा मैटर है, तुझे समझ में नहीं आएगा, जा तू अपना काम कर। हाँ, लड़की ढूंढना हो तो दोस्त, फ्रेंडशिप करना हो तो दोस्त, अब लड़की मिल गई तो हम आपके है कौन? जरूरत नहीं है बे जाना। अरे समझ गया दोस्त, देख बजाऊंगा ना कान के नीचे, चल निकाल। ठीक है ठीक है। अरे ईसीजी स्कैनिंग, एक्सरे, ब्लड टेस्ट सब बाकी है, तुम यहाँ पे बैठो। मुझे उनको देखने दो। बैठ जाओ ना, बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। सिस्टर, क्या है? वो लड़की उठी क्या सिस्टर? वो उठेगी तो मैं खुद बता दूंगी, तुम चुपचाप जाकर बैठ जाओ। सिस्टर, अरे मैंने उसे इंजेक्शन दिया है, तुम चुपचाप बैठ जाओ, दिमाग खाता है। सिस्टर, क्या हुआ? एप्पल, एप्पल मेडिसिन। हेलो मिस्टर साजन, वो लड़की ना उठ गई है। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकता हूँ? बुके? हाँ, बाय द वे तुमने कल मुझे जैसे आई लव यू कहा था वो मैंने एक्सपेक्ट। डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, माँ तो हमेशा बिजी रहती है शॉपिंग करने में, फ्रेंड्स को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला था। मेडिसिन्स, बिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब का कौन ध्यान रखता? अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो सिक्योर रहूंगी, यही सोचकर वो कहा। जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस आई लव यू कह दिया, और कुछ नहीं। सो आप अब अरे ये क्या, इतनी जल्दी जा रहे हो? आ जाओ आ जाओ, तुमने कितने पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ऐसा लड़का मिला। तुम्हारे लिए ये बेचारा सुबह से कितना परेशान हो रहा था, और एक मेरा पति है जो किसी काम का नहीं। Sister. मैं बताती हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, तुम मत बोलो। देखो बेटी, मैं कितनी मेहनत करती हूँ लेकिन वो दिन में एक बार भी फोन नहीं करता। तुम दोनों को देखकर लगता है साक्षात शिव पार्वती की जोड़ी Sister. है। और मैं बोल रही हूँ ना, तुम दोनों बिल्कुल लक्ष्मी नारायण जैसे दिखते हो। मैडम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस लड़की ने मुझे सच में प्रपोज नहीं किया था, अपनी सिक्योरिटी के लिए एक लड़का रहना चाहिए, इसलिए ऑप्शन में आई लव यू बोला था। सिक्योरिटी के लिए? मुझे कैसा लगा होगा। इसका एडवांटेज लेकर कल अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो तो पुलिस कंप्लेन करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, सिर्फ सेफ्टी के लिए। बाय। hmm.
लव से ज्यादा फ्रेंडशिप बड़ी होती है, ये मैं आज समझ गया। लड़का लड़का होता है लेकिन लड़की लड़की होती है। ठीक तो है ना? चलो चलते हैं। अरे थोड़ा रुक तो सही, उसे जाने तक देखते हैं। हाँ। ये भगवान। चलो चलते हैं। मेरे दोस्त के लिए एक बार तो घूम के देख ले यार। स्माइल। बाय। डिंपल। फ्रेंड कितना दुखी है ये जाने बिना तू बिंदास खाए जा रहा है। हाँ? अरे लड़की अगर पसंद आई है तो यहाँ बैठा क्यों है, जाके प्रपोज करना। अबे कार ब्रोकर, हम खुद जाकर आई लव यू बोलेंगे तो अपनी इज्जत का क्या होगा? क्या मतलब? मेरे जाकर बोलने का कोई मतलब नहीं है, उसे खुद ही आकर प्रपोज करना होगा। भाई पहली मुलाकात में उसने तुझे बेवकूफ बनाया, तुझे अभी भी लगता है कि वो यहाँ आके तुझे प्रपोज करेगी? फेक आई लव यू बोलने वाले से रियल आई लव यू बुलवाना, यही तो हीरोइज्म होता है। ये खाने का वक्त है, बाद में बात करते हैं। अबे लड़की एक साइड जैसी होती है, लेट हुआ तो कोई दूसरा आकर अपनी प्रॉपर्टी समझ कर अपना बोर्ड लगा देता है। गुरु ये प्रॉपर्टी तेरे बस की नहीं, कोई दूसरी प्रॉपर्टी ढूंढ ले। लव हुआ मतलब आधी शादी हो गई, शादी के बाद तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम आया तो तुम उसे छोड़ दोगे क्या? कितना भी प्योर गोल्ड होने दे लेकिन उसमें 10% वैट चार्जेस तो होते ही हैं, एडजस्ट करना ही जिंदगी है, ऐसा मेरी माँ ने मुझे बताया। ओ, तो एडजस्ट कर लो, जाओ यहाँ से। अच्छा ऐसा कैसे? नहीं तो क्या गुरु, तुम कह रहे हो कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तुम उसे प्रपोज करोगी नहीं और तुम चाहते कि वो तुम्हें प्रपोज करे, और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ना ही मैं जादू गुरु ना ही कोई लव डॉक्टर, मुझसे नहीं होगा यार। अबे कमीने, तुझे एक खींच कर दूंगा तो तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। जिंदगी में कभी ऐसी मार नहीं खाई होगी, ऐसी मार देता हूं तुझे। रुक, एक रास्ता है गुरु, एक कैंडिडेट है जो इस मामले में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैंडिडेट? हाँ। कौन है वो? लवर्स लोगों का हाँ। हाँ। लव गुरु है। वो प्यार करने वालों का लव डॉक्टर है। अच्छा। Let me check your beach. आजकल Facebook, YouTube, Twitter पे उसने हलचल मचा के रख दी है। अगर तुम्हें प्यार में कोई दिक्कत है, परेशानी है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कोई समस्या है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड खास नहीं डाल रहा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें भाव नहीं दे रही है, प्यार मोहब्बत इश्क और उल्फत में अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका होल सेल समाधान हूँ मैं। लव मास्टर प्रोफेसर लव गुरु। यस। Thank you. Bye. Bye. यही है वो गुरु। दिल से जवान हूँ मैं, दुनिया की शान हूँ मैं, उल्फत पहचान आजा बेबी। हाय 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 हाय। सॉरी ज्यादा इंतजार करवा दिया। और क्या? यस ज्यादा इंतजार करवाएंगे तभी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। Isn't that right? Don't be serious. Come on, sit down. My father, मेरे पिता सोने का इंसान फिल्म देखकर एक फार्मर बने और मैं काशीनाथ की फिल्म देखकर लव गुरु बना। बेसिकली आई लव लव स्टोरीज, लवर्स एंड देयर मनी। हेलो, जोक 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 जोक। अरे ये है कौन? ये तो कांटे वाला सुअर लग रहा है। बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है यार। हेलो, लव किसको हुआ है? तुमको हुआ है ना? आई नो। चलो अपना हाथ दो। अरे ये हाथ नहीं ब्रो, बायां हाथ दो, क्योंकि ये हाथ सीधा कनेक्ट होता है हार्ट से। यस, इसे ही लव हुआ है। कमिट करने से पहले 3 conditions. Condition number 1, पेमेंट सिर्फ 2 installments में क्लियर होगी। Condition number 2, I am very egoistic. जब भी गुस्सा आता है मैं भर भर के गाली देता हूँ। एडजस्ट कर ले यार। एडजस्ट करना होगा। Condition number 3, गुरु भक्ति। मैं क्यों और क्या करवा रहा हूँ इस पे कोई सवाल नहीं होगा, मैं जो कहूंगा उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, आपने तो 3 ही बोला था सर। 3 बोली थी, 1 फ्री है। सी Every sitting is very, very costly. Very, very costly. हाँ, वो तो पता हो रहा है सर। मालूम होना भी चाहिए, तो डील है या नो डील है? डील, डील सर, डील। डन, डन सर, डन। गुड, ओके। तो अब बात करते हैं। फर्स्ट टाइम उस लड़की को तुमने कब देखा और तब क्या हुआ? रास्ते में देखा तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल, तो आई लव यू बोली होगी सर, और उसके बाद नो बोली होगी सर। ये सब आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस है मुन्ना। तो अब तुम उस लड़की से सीरियसली प्यार करना चाहते हो और वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज करे, यही चाहते हो ना? हाँ इतना ही सर। Give me some time. Okay, वो पहली बार क्या बोली तुम्हें? I love you. तो एक काम करो,
तुम उसके पास स्ट्रेट जाओ और बोलो कि तुम्हारी आई लव यू बोलने से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है, तो अब अगर तुम मुझे आई हेट यू बोल दोगी तो मेरी लाइफ में सब बैलेंस हो जाएगा। वो आई हेट यू बोलेगी सर। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। कैसे बोलू मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे अच्छे आदमी को मिसयूज करना ही गलत है, फिर आई हेट यू बोलूंगी तो और भी पाप लगेगा। नो वे, मैं नहीं बोलूंगी। देखिए, आपने जिस दिन से मुझे आई लव यू बोला है मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मेरी उम्र भी बहुत कम है, मैं तो कोई अच्छी लड़की ढूंढ कर शादी करके फादर बनने का बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूँ। मेरे फीलिंग्स के साथ मत खेलो, मेरे तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, बस एक बार अपना दिल खोल कर अपने मुंह से मुझे आई हेट यू बोल दो, माँ कसम मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तो मेरे मुंह से ऐसा कहलवा कर मुझे पाप लगाना चाहते हो? मैं अच्छा आदमी हूँ, ऐसा तुमसे किसने कहा? जब रोड में एक्सीडेंट हुआ और कोई किसी को हॉस्पिटल लेकर गया तो वो बुरा कैसे हो सकता है? मैं किसी कीमत पर नहीं बोलूंगी। हेलो, अरे एक सेकंड रुको तो सही। अरे आवाज नहीं आ रही तेरी। हेलो, ओए इधर आ बे। देख लिया ना, बेकसूर आदमी को मैंने मारा तो मैं एक नंबर का बुरा आदमी हूँ कि नहीं? भाई, भाई मुझे एक कान से सुनाई देता था, आपने थप्पड़ मारा तो मुझे दूसरे कान से भी सुनाई देने लगा। आप ग्रेट है भैया, आप महान है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखा, यू आर अ वेरी गुड पर्सन यार। अरे यार ये कोई पागल आदमी है, एक दो सिचुएशन देखकर एक आदमी अच्छा है या बुरा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। एक काम करो, चार पाँच दिन मेरे साथ घूमो, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, फिर मुझे आई हेट यू बोल देना, मेरा समाधान हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बस बात खत्म। डन, सी यू टुमारो, बाय। ये तो वर्कआउट हो गया। आई अप्रिशिएट यू ब्रो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है फिर भी तुमने नाइस परफॉर्मेंस दी। सर, उस लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो मैं क्या करूंगा? पगला है, पगला है, पगला है तू सच में। अभी उसे तुझे आई हेट यू बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले दो तीन दिन में वो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, ऐसा वो खुद आकर बोलेगी। और वो नहीं बोली तो मैं बोलवाऊंगा। देखो लड़की चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक टच, एक किस और एक बार हग किया तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। तुम अपनी लव स्टोरी को एक बुक की तरह फील करो, पूरी जनरेशन को हेल्प मिल जाएगी। फॉल्ट नंबर वन, कंपेनियन, बी ए गुड कंपेनियन। किसी भी पार्क में लेके जाओ, मॉल में लेके जाओ या किसी सिनेमा हॉल में लेके जाओ। सिनेमा तुम्हें दूसरा कोई थिएटर नहीं मिला क्या? हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पे आते हैं। ये मेरा फेवरेट थिएटर है। हाँ। ये? अरे मेरी किस्मत। हेलो, इतनी टाइट टी-शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? सबको अपने डोले छोले दिखाने थे क्या? हाँ? आप क्यों इतना लिपस्टिक लगाकर आई हो अंधेरे में? सबको अपना होंठ दिखाने के लिए क्या? हेलो, सिनेमा देखने आए हो कि बहस करने के लिए आए हो? जाओ बाहर जाकर बहस करो। सॉरी सर। अबे सॉरी बोल, फ्रेंड है। घर जाओ तो बीवी परेशान करती है, थिएटर में बैठो तो ये लवर्स परेशान परेशान कर रहे हैं। नो टच, नो किस, एटलीस्ट एक हग तो किया? नहीं सर। नहीं किया तो फिर क्या, खाक किया? अच्छा ये बताओ तुम उसे कौन से थिएटर में लेके गए थे? कमला थिएटर सर। कमला थिएटर ले गया, सब कुछ वेस्ट कर दिया तूने। कौन सी फिल्म दिखाई उसे? ये सुपर सिनेमा सर। अरे कौन सा सुपर सिनेमा? ओम दिखाने के बाद तो प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी वहीं पर हो जाती है, तो उसे देख के तेरी लव स्टोरी कैसे शुरू होगी? नॉनसेंस है तू, स्टूपिड है तू, तेरा सिर तो मैं इसको क्या करे सर? सर उसे कुछ पता नहीं, आप बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, लव स्टोरी शुरू होगी। यार टाइम वेस्ट कर रही है सर। नॉनसेंस, स्टूपिड। ए, इसका घर कहाँ है बे? अरे यार चुप बैठा, कुछ कर रहा है, चुप बैठ। सॉरी बोल रहे हैं सर आपको। ओके ओके ठीक है, छोड़ा, इसने सॉरी बोला ना, सॉरी मैं एडजस्ट कर लूंगा। अप्रोच नंबर वन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अप्रोच नंबर टू, शेयरिंग, इसे पूरी तरह से करेक्ट परफॉर्म करना। झूठ बोलो, लड़की को इम्प्रेस करो, उसकी भावनाओं को समझो, उसे किसी यूथ सेंटर में लेकर जाओ, उसे मनाओ और फिर एंगेज हो जाओ। That was a nice show, क्या? वैसे काम क्या करते हो तुम? बहुत काम करता हूँ मैं, लेकिन पगार आने जैसा कोई काम नहीं करता। ओके, नाइस। और कहाँ तक पढ़े हो? बहुत पढ़ाई की है, लेकिन काम मिलने जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर फालतू घूमते रहते हो तो I guess किसी ना किसी से प्यार तो किया होगा। Do you have any love story? Actually, एक ही लड़की से मुझे दो बार प्यार हो गया था। फर्स्ट टाइम मैंने उसके घर में देखा तो वो डांस कर रही थी, उसे देखते ही मेरा चाय का कप टप से नीचे गिर गया। सिर्फ ये कप ही नहीं फिसला था, मेरा तो दिल भी फिसल गया। लव एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ मिलकर वो कबूतर उड़ा रही थी,
क्लोजअप रिवील में उसकी शक्ल देखी तो देखते देखते सारे कबूतर उड़ गए, और सिर्फ कबूतर ही नहीं उड़ गए, मेरा दिल भी उड़ गया। That's love at second sight. उसके बाद देखा कि वो किसी और से लव कर रही है। चलो कोई बात नहीं, उसके साथ वो रह के खुश है तो मैं भी निकल गया और छोड़ दिया। हा? मैंने छोड़ दिया? तुमने? तुम तो छोड़ने वालों में से नहीं लग रहे हो। झूठ कह रहे हो ना? कोई और मिला नहीं क्या तुम्हें ये फिल्मी स्टोरी सुनाने के लिए? मैं बताती हूँ, सुनो। एक्चुअली मुझे एक बार एक लड़के से प्यार हुआ था। प्यार? रामनवमी के दिन एक दादाजी मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे थे और अचानक से उनका पैर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे राम जी ने स्वयं अपना दूध भेजा था उन्हें बचाने के लिए। लव एट फर्स्ट साइट, मैं तो फिदा हो गई थी उस पर। मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त मैंने देखा कि वही लड़का उस दादाजी को डांट रहा था उसकी बाइक के सामने चप्पल रखने के लिए। तभी मुझे पता चला कि उसके लक्षण राम जी के जैसे नहीं बल्कि रावण के जैसे थे। उसके बाद मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पर कहीं भी मुझे ऐसा लड़का नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। भगवान ने मुझे यू टर्न देकर वही लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले थी। क्यों सिंक नहीं हो रहा है? ए, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो वो लड़की नॉन सिंको के नॉन स्टॉप भाग जाएगी, फिर पछताना मत। तुम समझ नहीं रहे, इसे मैंने जितनी भी ट्रिक्स समझाई वो सब फ्लॉप हो गई हैं। ले जाओ इसे यहाँ से। अरे ये क्या सर, आप इस तरह से बातें कर रहे हो? ये किसके साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है? इससे मुझे समझ क्या रखा है? अबे मैं शेर हूँ, मैं शेर नहीं सवा शेर हूँ। अच्छे के लिए मैं अच्छा हूँ, बुरे के लिए मैं खतरनाक हूँ। जो मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करेगा उससे मैं बात नहीं करता। सर कूल, आई एम नॉट कूल। सर आप लव गुरु हैं, एक्शन हीरो क्यों बन रहे हैं आप? सर 5,000 ज्यादा ले लीजिए मगर अच्छा सा आइडिया दीजिए। इसको आइडिया देने से कोई फायदा नहीं। 5,000 नहीं लूंगा, पूरे 20,000 लूंगा। पूछे से हाँ ठीक है भाई, 20,000 मैं नहीं दूंगा। ओके सर ओके, 20,000 डन, तो हमारी डील पक्की सर। कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। अप्रोच नंबर 3 शॉपिंग, वो जो मांगे सब दिलाओ। सर प्लीज कम क्लोजर। सर प्लीज डोंट टच मी। वो तो आ रहे हैं सर। सूर्या ये चाहिए। बचपन में मेरी दादी मुझसे कहा करती थी मुझसे शादी करने वाला लड़का हाथी में राजकुमार की तरह आकर मुझे ले जाएगा। ओए बुलबुल, हाथी पर बैठने वाले सभी राजकुमार नहीं बनते हैं, और बाया हाथ उठाने वाले अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हैं, और हर कोई अमरीश पुरी की तरह विलन नहीं बन सकते। नीयत अच्छी होनी चाहिए, उसमें लोगों को हंसाने की कला होनी चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझने की ताकत होनी चाहिए, वही इंसान होता है। यू माइंड इट, समझ गई? अगर नहीं समझ में आया तो चलो चुपचाप मेरे पीछे पीछे, मैं कुछ नहीं दिलवाऊंगा। वैसे भी टाइम किसको है समझाने का। अप्रोच नंबर 3 भी बर्बाद हो गई, तो अब हम जाते हैं अप्रोच नंबर 4 की तरफ। सर अप्रोच नंबर 4 क्या है सर? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी? हमारे लड़के को चीते से भी तेज भागना होगा, वो आ रहा है देखो। बैग बैग, अरे वो देखो मेरा बैग लेकर भाग रहा है। भैया
जाकर फाइट करके मेरा बैग लेकर आओ ना, वो मेरा फेवरेट बैग है, जाओ ना। hey, बैग ओनर मैं हूँ या तुम हो? म्यूजिक। साइड हो जा रे। हो गया सर। सर किस भी हो गई है सर। सर आपका आइडिया काम कर गया सर, लड़की को छुड़ा लीजिए सर। छुड़ाऊंगा छुड़ाऊंगा। अरे मेरी माँ। ए, सब कुछ करेक्ट है ना? मैंने पहले ही बताया था मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अब घर जाओ और जाके सो जाओ। थैंक यू। टच कर लिया ना, हग कर लिया ना, किस भी हो गया ना, सब कुछ एक साथ हो गया। तो अब समझो लव हो गया। आज रात को सोएगी नहीं, कल सुबह आकर तुमसे बोलेगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। हाँ बोलो। लड़की बहुत ही फास्ट है, देख लेना वो सब कुछ संभालेगी। अब सब कुछ वो ही संभाल लेगी। क्या बात है, क्या हुआ सर, हार्ट अटैक आया क्या? तुम्हारे दबाने से ये पता चल रहा है कि तुम डीपली उसके लिए हो। ए, लेकिन उसके हार्ट में जाने के लिए तूने मेरी छाती में लात मारी। कौन सर? कौन है वो? तूने ही लात मारी थी, ओवर एक्टिंग मत कर अब, चल जा 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 सर। जा। कब दूं सर? क्या पेमेंट? देखा तूने, प्यार में पड़ते ही लड़का कितना फास्ट हो गया है। तो सुन, कल शाम को मेरे अड्डे पर आ जाना, अब अमाउंट बड़ा हो गया है तो वहीं पे मिलके लेन देन सेटल कर लेंगे। अब चल जा। सर अरे अब मेरी छाती दुख रही है, तू जा। सुन बेटा, मैं यहाँ एक फंक्शन में आई हूँ, यहाँ बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी हैं। तू अपने लिए लड़की खुद ढूंढेगा या फिर मैं ही ढूंढ लूँ? ऑलमोस्ट मैंने देख ही ली है माँ। कोई भी कास्ट की होगी तो चलेगा, लेकिन दिखने में अच्छी होनी चाहिए। मेरा टेस्ट तो पता है ना आपको। लड़की सिर्फ गोरी ही नहीं होनी चाहिए, लड़की संस्कारी, गुणी, अच्छे घर की होनी चाहिए। उस मामले में तो मेरी वाली पक्का गोल्ड है। हेलो। हेलो। अरे ये तो गोल्ड गोल्ड लग रही है। माँ मैं बाद में फोन करता हूँ। हमने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, स्पेशली वो एक्सीडेंट का आइडिया तो अल्टीमेट था सर। अच्छा तो पहले से फिक्स था क्या? अगर मैं ऐसे ही जाकर डायरेक्टली उसे प्रपोज कर देती तो मुझे डिंपल पड़ते हैं, इस वजह से वो मुझे रिजेक्ट कर देता। करेक्ट बोला, 100% रिजेक्ट कर देता, कोई जवाब नहीं देता। ये जो कुछ भी है ना मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। अबे दोस्ती के नाम पे कलंक। चुप कर, अगर मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा तो मैंने कोई हेल्प नहीं की, मेरी कोई वैल्यू नहीं है? तूने मेरी हेल्प की तो तू अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा है क्या? तुझे इज्जत दे रहा हूँ तो तू ज्यादा ही उड़ रहा है समझा? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? रिलैक्स, मैं क्या बोल रहा था? सुनो, तुम दोनों ने ही मुझे बहुत हेल्प की है। मेरे चाइल्डहुड ड्रीम को फुलफिल करने के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। चीयर्स। ओके। ये पानी? वोडका है। वोडका। हाँ भाई आओ। गोटी है, कलेजी है, पाया है, भेजा है, गोटी है, सर है, बजरी है, गुर्दा है और कलेजी भी है। बोलो क्या चाहिए? ओ अच्छा। चलो तुम्हारा ये सब काम तो मैंने करवा दिया, उसके बदले मुझे फोन कब दिलवाओगी?
हाय हेलो नमस्कार। अच्छा तुम दोनों ऐसे आए होगे और ये सामने से आई होगी, अचानक मिल गए तो कैजुअली बात करने बैठे होगे। क्यों सही कह रहा हूँ ना गुरुजी? एकदम सही बोला, लेकिन मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए कहा था, तुम सुबह क्यों आ गए? ओके नो प्रॉब्लम, सिट डाउन एंड व्हाट डू यू लाइक टू हैव? लेना तो हो चुका है, अब देना बाकी है। अरे क्या देना है तुम्हें? अरे वो वोडका, वोडका। अब जरा आंखें बंद करेंगी मैडम? तूने मुझे हाथ कैसे उठाया? तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। हाथ हटा। क्या है वो अप्रोच नंबर वन? क्या है वो कंपेनियन? कंपेनियन शिवा भाई की फिल्म नहीं देखने को कहने वाला तू कौन होता है बे? अप्रोच नंबर टू क्या था? शेयरिंग। महात्मा लोग पैदा हुए इस राज्य में, तू मुझसे झूठ बोलने के लिए बोल रहा है? झूठ बोलने को अप्रोच नंबर थ्री क्या था? ये जो भी मांगेगी उसे दिलवाने के लिए पैसा क्या तेरा बाप देगा? अरे इसे छोड़ दो, ये पूरा मॉल मांग लेगी। अच्छा अप्रोच नंबर फोर क्या था? सिक्योरिटी सिक्योरिटी गुंडे भेजेगा मेरे पीछे। अच्छा ये बता तू कौन से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना था? डॉन बॉस्को। बॉस्को? शक्ल देखिए प्रोफेसर है क्या तू? शिवाजी नगर में मांस बेचने वाला कमीना है तू। गुरु एकदम सही कह रहा है तू। अरे मार उसे मार, मैं भी इसे मार नहीं आया था, मार उसे मार। नहीं नहीं आया, रुक तेरे पास भी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट जरा इसकी पिटाई होने दे। ए हाँ बॉस, ये चेयर लेकर बैठ। ठीक है बॉस। और तुम लड़कियाँ अगर पसंद आया तो डायरेक्ट आकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें डिंपल पसंद नहीं है तो मैं इसे प्लास्टिक सर्जरी करवा कर निकाल दूंगी। ऐसा मैं तुम्हें दुनिया की ग्रेट लवर मान लेता। ये सब छोड़कर तुम ड्रामा कर रही हो मेरे सामने, ड्रामा? भाई साहब सिस्टर फीलिंग, भाई बहन, भाई हो तो ऐसा, बहन हो तो ऐसी, भाई बहन का प्यार, इन सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तो तुमने ब्रेक कर दिया। फोन मिल जाने के लालच में तू इनके साथ हो गया। ऐसा कुछ नहीं गुरु। अबे तू चुप है, कचरा कमीने चिंदी कहीं के सड़े हुए टायर। अच्छा आप हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर बैठकर क्या बोली थी? आई लव यू, आई हेट यू लिख कर रखना। अब से तुम कौन हो मैं कौन हूँ, खत्म, समझे? तुझे पेमेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए तुझे। तू मेरा फ्रेंड है इसलिए तुझे बाद में मारूंगा, चल बे। अरे बस एक समोसा तो खा कर जा, चलो यहाँ से। गौरी तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो? उस लड़के का गुस्सा तुम खाने पर क्यों निकाल रही हो? गौरी तुम जैसी सुंदर लड़की पाने के लिए कई लड़के भगवान के सामने घी का दिया जलाकर प्रार्थना करते हैं, वैसे भी तुम नहीं मिली इसलिए उसे सैड होना चाहिए। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? गौरी अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो तुम अपना वन वे लव टू वे बनाकर मुझे दिखाओ। अगर मुझे सच में लगा कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो मैं खुद उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी, ठीक है? लव यू मां। नहीं नहीं उसे ऐसे मत काटो। हे हाय हाय हाय, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। ये है गौरी। हाय शारदा। हाय और ऐश्वर्या। हाय हाय। ये ना किसी से प्यार करती है, अगर तुम अपने भैया से बात करती हो। वो पापा भी घर पर हैं लेकिन भैया घर में नहीं है। हे प्रभु कुछ भी करके इस लड़की को मेरे घर की बहू बना दो। हाँ एक काम करो, कल हम मृत्युंजय टेंपल में होम रखने वाले हैं, तुम सब लोग वही आ जाओ। ओके 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 बाय बाय। वो लड़की कौन है जिसने पर्पल कलर का चूड़ीदार पहना है? कितनी सुंदर थी ना, उसे घर पर लाना चाहिए था ना बेटा। मैं भी उससे थोड़ी बातचीत कर लेती। माँ आप क्या सोच रही है मुझे पता है, ओवर इमेजिनेशन मत कीजिए, वो किसी से प्यार करती है। प्यार? ये आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी बाद में होती हैं, प्यार में पहले ही पड़ जाती हैं। जा 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 तू जा, आपने तो मेरे सारे सपने तोड़ दिए प्रभु। ठीक है आइए। हाँ नमस्ते श्रुति। हाँ हाय हाय, कितने लेट आए हो, सॉरी। भैया हाँ तो पूरी होमली लग रही है ये। भैया हाँ? भैया वो लोग मेरी फ्रेंड्स हैं, कोई प्यार व्यार का चक्कर है? आप हमेशा प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना, तो मेरी फ्रेंड की भी मदद कीजिए ना। मदद करनी है? हाँ। तो ठीक है कर देते हैं। भैया ये लक्ष्मी राधा श्वेता। हाय। बचपन से ही मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती,
पर मैंने उससे झूठ कहा और उसके दोस्त के साथ मिलकर ड्रामा भी किया, लेकिन मैंने ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए किया, सच में। और मैं अपने नाती पोतियों को भी बताऊंगी कि वो मेरे पीछे नहीं आया था, मैं उसके पीछे गई थी। मैंने उसे आई लव यू कहा था, मैं उसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूंगी और उसे छोटे बच्चे की तरह संभालूंगी। हेलो, बस हुआ, पहले उस लड़के के डिटेल्स दो। मैं खुद बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मैं इनसे खुद ही बात कर लूंगी। भैया, अरे बाबा, वो बहुत ही बुरा आदमी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। उसने आपकी जितनी पढ़ाई भी नहीं की है। मैं पढ़ी लिखी हूँ ना। वो एक वेस्ट फेलो है, अनएम्प्लॉयड। मैं कमा कर पाल लूंगी। इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे शिवा। भैया बोल रहे हैं ना, वो बुरा आदमी है, समझ में नहीं आता क्या? तेरा सिर। हाँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो और कोई नहीं बल्कि यही है। भैया, हे प्रभु, इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी तूने। नो नो नो, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाऊंगा। हजारों लोगों को काम देने वाला एक कॉर्पोरेट कंपनी का ओनर एक अनएम्प्लॉयड के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे? वो लड़का कुछ कमाता भी नहीं है, शादी के बाद बीवी का ख्याल कैसे रखेगा, बच्चों को कैसे पालेगा? करेक्ट करेक्ट। क्या करेक्ट है, शादी से पहले आप क्या करते थे? वो अनएम्प्लॉयड। अबे, हमारी लव स्टोरी थोड़ी अलग है, छोड़ो उसे। हमारी लव स्टोरी क्यों अलग है? उन्हें अपने प्यार पर अगर भरोसा है तो वो लोग अपनी जिंदगी बना लेंगे। सही कहा, उसके अलावा किसी और से शादी करेंगे तो वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी, मुझे ऐसा लगता मुझे है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जी, हमारे प्यार को हमारे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। मैं एक माँ बनकर अपनी बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज मान जाइए। बच्ची की खुशी के सामने क्या जायदाद क्या पैसा, अब मान भी जा शशि। जब सारे लोग तुम्हारे साथ हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। <Yes, yes, yes. laughs> बुरा मत मानिए, सपोर्ट करता है तो केमिस्ट्री डजंट सपोर्ट। बायोलॉजी सपोर्ट करेगा। आप जा चुके हैं सर। सर, आई डू अंडरस्टैंड सर। सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ, बेरोजगार को बिल्कुल इज्जत नहीं देता हूँ। अपनी बेटी की शादी बेरोजगार से बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे विनती है। शादी का रिश्ता जोड़ने की बजाय तोड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा बाप। हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। जायदाद इम्पोर्टेंट नहीं है, संस्कार इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे को तो बचपन से ही देशभक्ति समाज सेवा बहुत पसंद है। सर, एंगेजमेंट कब करनी है? सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। खाइए खाइए। चलो अच्छा है, कम से कम माँ ने तो बचा लिया। चलिए सब लोग खाते हैं। सूर्या, कॉफी। वाह, वैसे इतनी डल क्यों लग रही हो? प्रोफेसर का डायलॉग सुनकर इन्फ्लुएंस हो गया क्या? वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम मेरी एंगेजमेंट हो रही है इसलिए थोड़ा डर लग रहा है, और कुछ नहीं। मेरे तो दो हुए, ये तीसरा वाला है। डर लग रहा है? ए, मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादुर प्रेमी होते हैं ना, वो हमेशा मस्त रहते हैं। उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूंछ देखे और खुश हो जाए। गले में मंगलसूत्र बांधने वाला लड़का और दिल से चाहने वाली लड़की। आजकल तो जमाना ऐसा है कि लड़की नाराज हो जाए तो सात समंदर पार से भी उठा लाते हैं। तो डरना छोड़ो, ये तो सारी बकवास बातें हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो सात फेरे लेने की डेट फिक्स करते हैं। आ जाओ। खूब तरक्की कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अरे आप अभी आ रहे हैं? नमस्ते 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 नमस्ते। स्पेशल क्लास था ना इसलिए। ये लोग बस जा ही रहे हैं। बस आ गया दीजिए। तो फिर मिलेंगे। बाय। मैं जरा छोड़ कर आती हूँ। हेलो हेलो। अबे कल से हम दोनों को डिक्स मारना है समझा? अरे यार। गुरु, रिसेप्शन में मिलते हैं। चल चल चल। हाँ, इस तरफ इस तरफ। कांग्रेचुलेशंस। सर, आपके साथ मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। एम आई अलाउड? इज इट ओके?
थैंक यू। आपकी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर ये जिम तैयार करवाकर आपको दिया है। यस आई टोल्ड हर सर को ये सब सूट नहीं करेगा। क्यों फालतू के तुम ये सब कुछ कर रही हो? उसकी समझ में कुछ भी नहीं है। उसे शायद तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। बड़े लोगों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं तो उन लोगों के सामने अपने बेटे का सर झुकना नहीं चाहिए, इसलिए उसने ये सब किया आपके लिए। देखिए सर, आप इतने दिनों तक बिना किसी जिम्मेदारी के जीते आए हैं, लेकिन अब तो आप सर थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने सर पर ओढ़ लीजिए। आपकी जिंदगी में नया कोई आ रहा है, जरा उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए। आई नो पापा, आई नो। इस तरह की बातें आप अपने स्टूडेंट से कीजिए, आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर? एम आई राइट? मैं आपकी भावनाएं अच्छे से समझ सकता हूं सर। देखिए सर, मेरे लिए मेरी पत्नी मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी है। अगर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी निकला ना तो मुझे सहन नहीं होगा सर। पापा वो पापा उसके प्यार की बुनियाद पर खड़े इस जिम को अच्छी तरह से चलाइएगा सर, प्लीज। किसी भी बात को सीरियसली न लेने वाला वो लड़का उस दिन अपने पिता की बात को लेकर बहुत सीरियस हो गया। रात को ठीक से सो नहीं पाया। सुबह होने से पहले उसकी तकदीर ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी कर रखा था। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जोकर लीडर। ऐसा सरप्राइज दोगे? अरे सरप्राइज ही नहीं है बेटा, बाहर है सरप्राइज। कांग्रेचुलेशन सोल्जर। कांग्रेचुलेशन नहीं भाई, हैप्पी बर्थडे बोलना है। ये बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, आर्मी से लेटर आया है। You are selected for army. आर्मी में? मैंने तो पास होने जैसा कुछ लिखा नहीं था। खुश है बेटा? हाँ नमस्ते जी। नमस्ते। आपको एक शुभ समाचार देना है। कैसा शुभ समाचार? वो क्या है ना, जब से आपकी बेटी की मंगनी मेरे बेटे के साथ हुई है तब से उसका सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। It's a good sign. आर्मी से उसका सिलेक्शन ऑर्डर आया है। I am so proud of him. शादी की तारीख अगर हम चाहते हैं कि 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दें, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। 6 महीने? कोई बात नहीं जी, एंगेजमेंट तो हो ही गई है, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेटा तू तो एक गाय तक की रखवाली नहीं कर सकता और अब देश की रखवाली करने जा रहा है। विजयी बाबा। अरे बाप रे, मैं तो डर गया, तुम मेरे लिए पपी लेकर आई हो। हाँ डर गए? मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। वाओ, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैंने तुम्हें ये पपी क्यों दिया पता है तुम्हें? नहीं पता क्यों? ताकि प्यार के लिए वफादार रहो। हे कांग्रेचुलेशंस, तुम आर्मी में सेलेक्ट हो गए हो ना? बुद्धू 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 हो तुम, अभी अभी तो एंगेजमेंट हुई है, तुम्हारा पति बनने वाला हूँ, जिम ओपन की है, कल के दिन में शादी करके अच्छा संसार बसाने का छोड़कर कांग्रेचुलेशंस बोल रही हो तुम? कांग्रेचुलेशंस बोल रही हो? मतलब? ज्यादा कुछ नहीं, सीधा अपने बाप के पास जाओ। अरे अरे अरे, मेरे होने वाले पति को आर्मी में भेज रहे हैं, कल के दिन अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? और तो और, इस पपी का क्या हाल होगा? ऐसे जोर से रोते हुए श्रुति के रेंज में आंसू दिखाकर बड़ा सीन क्रिएट कर दो बस। सुनो, मेरा आर्मी जाने का प्रोग्राम कैसे भी कैंसिल कर दो प्लीज, तो इस पपी के साथ और तुम्हारे साथ मैं खुशी खुशी रह जाऊंगा। मुझे डाउट है कि हमारी शादी होगी भी या नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में नहीं पता है? मेरे दादाजी आर्मी में मेजर जनरल बने थे और मेरे पापा महान देशभक्त। भारत माता की जय। आई सी। हमारे घर में अगस्त का महीना आया नहीं कि हर दिन की शुरुआत जनगण मन से ही होती है। जय 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 जय। अगर मिस किया तो उस दिन खाना नहीं मिलता।
अगर ऐसे में तो मामी में नहीं गए तो हमारी शादी होगी या नहीं मुझे डाउट है। मोस्टली चांस है कि नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है जानू। सोचा था मैं ड्रामा कर रहा हूँ लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ी ड्रामा बाज़ है। ऐसा है तो ये प्लान वर्कआउट नहीं होगा क्या जानू? बिल्कुल भी नहीं। जल्दी आना बेटा। मम्मी आखिरी मूवमेंट में तो कम से कम पार्टी चेंज करो ना प्लीज। माँ कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं करती। ये टाइम जोक करने का नहीं है। इतने सारे लोग तुझे छोड़ने आए हैं। नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा? चल माँ सुनिए आशीर्वाद तो दीजिए। क्या आशीर्वाद? हजारों लोगों में 500 लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, 400 लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन डबल दिल रहने वाले मुझ जैसे लोग सोल्जर बनना चाहते हैं। खुश हो जाओ, इस एरिया में मेरे बारे में जो कोई पूछेगा ना उसे स्वीट खिलाकर खुश कर दो। अच्छे से अपना काम करना और अपना पूरा ख्याल रखना। दूर से टाटा करो। बाय बाय। हो गया हो गया। बाय। हां बोलोगे ससुर जी? अरे जीते रहो बेटा, हम इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके बॉयज रेडी हो ना। ये कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे सीधा यहाँ से जंग लड़ने जा रहा हूँ। पूरी फैमिली लेकर आ गया अपनी विदाई के लिए। अरे हमारी कोई फैमिली नहीं है क्या? ओ बच्चे जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। आप उसे जानते हैं क्या सर? बचपन से ही सोल्जर है, बोल बोलकर पूरे एरिया को परेशान कर रखा था इसने। इसके चक्कर में मैंने अपना एरिया बदल दिया। लगता है इसे पीछा नहीं छूटेगा। क्या है? अरे बॉस, आप है बॉस, मैंने पहचाना नहीं आपको। अभी पहचाना ना? पहचान लिया बॉस, आप दूर खड़े थे ना इसलिए पहचान नहीं पाया बॉस। सफर में जाने से पहले पूरे परिवार का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है बॉस। सफर बहुत अच्छे से गुजरता है। देखो मैं भी अपना पूरा परिवार लेकर आया हूँ। टाइम हो गया बॉस, जल्दी चलो। हेलो चलो चलो, ये पकड़। बाय बाय बाय। खाना टाइम से खाना बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। इधर आ। कावेरी सुब्बू के सामने तू बजा रहा है क्या बात? सब लोगों को अलर्ट रहना है। सभी लोग अपनी कॉफी टी लेकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाएं। Am I clear? Okay? Yes sir. रुक बे। देखो मैं थोड़ा स्ट्रेट। कौन है बे? बॉस। उठ गए क्या? अब क्या करूं? अब टर्न। अब बोलो बॉस। क्यों बे? मुझे क्यों नहीं उठाया? बॉस ये अपना स्टेशन नहीं है, अपना स्टेशन बहुत दूर है अभी। आप आराम से सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको क्या डिस्टर्ब करूं इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया। ओहो, ब्रेक है क्या? कमीना मेरे हाथ से छीन लिया। क्या कहा? नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने आपके लिए खरीदी थी पीछे। मन की भी बात पता नहीं कैसे सुन लेता हूं ये। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे वो लड़की बेचारी इतनी चिल्ला रही है, जाओ जाके बचाओ उसे। हाँ? अरे जरा उसकी शक्ल तो देखो, कितना डरावना है। दिखने में बिल्कुल चंबल के डाकू की तरह लग रहा है। पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे भाई? तो फिर अपने सोल्जर्स को तो भेजो ना। वो लोग अभी सोल्जर के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बने नहीं है भाई। हाथ पैर ठीक रहेगा तो ही ट्रेनिंग ले पाएंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आ रहे हैं हम लोग। वो क्या है भाई कि आपके जैसा कोई सोल्जर हो तो इसको बचा सकता है। एक कोशिश करके देखो भाई। ए चल कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे सामने कोई भी आया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हमारे भी हाथ पैर इम्पोर्टेंट है, चाहो तो तुम ही जाकर बचा लो। बॉल्स अबाउट टर्न। हाँ अभी रेलवे स्टेशन पर हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा। ठीक से समझा देना, हमसे टकराएगा तो वो बचेगा नहीं। नीचे करो। ए बच्चा, तू जानता है किससे टकरा रहा है? कावेरी सुब्बू का दूसरा नाम मौत है। मुर्गा चिल्लाता है तो सुबह होती है, बिल्ली चिल्लाती है तो अशुभ होता है, लेकिन जब ये सूर्या अपनी उंगलियां बजाता है तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। उड़ा दो इसे।
इनसाइड। मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ? अब तो पूरी सटक गई है मेरी। ए, खत्म कर दो। सॉरी भाई, लेके जाइए बॉस। ऐसे ले जाइए या ऐसे ले जाइए या फिर ऐसे ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बॉस। वो उठेगा या नहीं ये डाउट है, आराम से सो चुका है। हाँ, थैंक्स की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, मेरी ट्रेन निकल रही है। एनीवेज बाय। ए, उठो, आंखें खोल कर देखो। उठो, सुन रहे हो ना? देखो मुझे। तुम पूछ रहे थे ना मेरा प्रेमी कौन है, प्रेमी कौन है? तो गौर से देखो, ये है मेरा प्रेमी। हाँ, मैं इससे ही प्यार करती हूँ। कौन है ये लड़की? क्यों इसे अपना लवर कह रही है? इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है ये? ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। अरे आप हैं कौन और मुझे अपना लवर क्यों बुला रही हो? और वो लोग कौन थे? अरे ओए, मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ, रुकिए। वाह, अरे ऐसे रो क्यों रही हो? अरे ये क्या टर्न हो गया लाइफ में। अच्छे, वाह, अब कहाँ गई है? ओए मैडम, 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 अरे ये क्या कर रही हो? सुसाइड कर रही हो? अरे मेरी बात मानो, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, पता नहीं है क्या? मेरी बात मानो, जरा मेरे बारे में तो सोचो। अगर आपका कुछ भी हो जाए तो, अरे रे 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 रे, जरा सोचो तो। मुझे तो सबके सामने लवर बोल दिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग ऐसा सोचेंगे कि मैंने ही तुम्हें धक्का दे दिया और मुझे फांसी हो जाएगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं मदद करूंगा ना आपकी, इसलिए पहले शांत हो जाइए, बैठकर आराम से बात करते हैं। आइए आइए, अरे हाथ दो ना, हाथ दो, मेरा यकीन करो, हाथ दो, हाथ दो ना, आओ। बोलो क्या प्रॉब्लम है आपकी? हा? मेरा नाम हंसिका है। ये आंसू पोंछ कर भी बता सकती हो ना? पहले आंसू पोंछ लो। आसपास के 100 गांवों में से सिर्फ मेरा ही खानदान है जो गरीबों की मदद करने में विश्वास रखता है। हमारी और शेर खानदान की दुश्मनी है, फिर भी मैंने उसी खानदान के एक लड़के से प्यार किया और वो लड़का मुंबई में काम करता है। मैं भी मुंबई ही जा रही थी, मैं घर से भागकर स्टेशन पर तो आ गई पर ट्रेन 1 घंटा लेट थी और मेरे घर वालों ने मुझे पकड़ लिया। अगर घर वालों को ये पता चल गया कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ तो वो लोग मुझे मार देंगे और उसे भी मार देंगे। इसलिए इसलिए वो
लड़का आपने कह दिया। खुद को बचाने के लिए मुझे ही फंसा दिया क्या? तुम भी ना, तुम्हारे लवर को फोन करके अभी तुम उसके पास जा सकती हो ना। कल शाम को संजय किसी काम से दुबई जा रहा है, आने में उसे एक हफ्ता लगेगा। अरे इतना ही ना, तो उसके लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत है? तब तक अपने फ्रेंड के पास जाके रह लो। हाँ अच्छा, बस एक हफ्ता रुक जाओ, अपने फ्रेंड को सारी बातें बता दो और उसके बाद अपने लवर के साथ भाग जाओ। मेरे घर वालों ने ऑलरेडी रिश्ता देख लिया है, वो लोग मुझे ढूंढ कर मेरी शादी करवा देंगे। सो मर जाना चाहती हो? ऊपर कोई ढूंढने तो आएगा नहीं ना। हाँ सुनो, प्यार में जितनी भी तकलीफें आए लेकिन दोनों को हमेशा साथ रहना चाहिए। हाँ एक बार अपने लवर के बारे में तो सोचो। मैंने ऐसी बहुत सी केसेस हैंडल की हैं, मेरा एक्सपीरियंस मैं तुमको बताता हूँ, जरा सुनो। अभी तुम्हारा अपने घर जाना ही बेटर रहेगा, अभी चली जाओगी तो भागी हुई लड़की वापस आ गई ये सोचकर खुश हो जाएंगे सब, और एक हफ्ते के बाद फिर से भाग जाना। अरे अरे एक हफ्ता पहले ही तो भागी थी, अभी वापस भाग गई, उसकी तो आदत है भागने की, ऐसे सोचकर सब लोग चुप हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। देखो टेंथ में फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन बार बार फेल होते हैं तो कुछ नहीं लगता, और फिर लोगों को भी तो आदत हो जाती है। मेरे वापस जाकर फंसने से तो अच्छा है कि मैं अभी ही जान दे दूं। ए रुको 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 रुको, अरे तुम मर जाओगी तो मैं जेल चला जाऊंगा, जरा बैठ जाओ सोचते हैं। एक मिनट, ये सब जरूरी था क्या? जरूरी था क्या? हे भगवान अब क्या करूं। देखो भगवान ने आपकी लाइफ में आपको लास्ट लाइफ लाइन दी है, ऑनेस्टली ट्राई करो। मैं अभी आता हूँ, आप कहीं मत जाना, लेकिन प्लीज कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ, दो मिनट। हेलो, इतना जल्दी पहुंच गया तू? नहीं और थोड़ी देर लेट होगा, लेकिन मुझे एक डाउट आया है, पहले उसे क्लियर करो। पहुंचने से पहले ही डाउट है? अच्छा ठीक है पूछ। रोड पर एक लड़का इंटरव्यू के लिए जाता है और एक लड़का होता है जो सुसाइड करने के लिए जाता है। अब उस लड़के को इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या फिर उस लड़के को बचाना चाहिए? ऐसा क्यों पूछ रहा है बेटा, उस लड़के को बचाना जरूरी है। कितनी मुश्किल से जॉब मिला है, तो अपनी जिंदगी संवारने की बजाय वो उसे काय को बचाएगा? मरने वाले को बचाना मनुष्य का धर्म है बेटा। लेकिन मरने वाले को बचाने में उसकी खुद की लाइफ बर्बाद होगी, उसका क्या मम्मी? देख बेटा, अपनी जिंदगी बनाने के लिए भगवान हजारों चांस देंगे, मगर दूसरे की जिंदगी बचाने का हमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है, तो मरने वाले को बचाना ही इंपॉर्टेंट है। सो मरने वाले को बचाया तो बॉर्डर पर गन पकड़कर जो देश की सेवा करने के लिए खड़े होते हैं उनकी जितना पुण्य मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स। ओके ऐसा ही करता हूँ, बाय। बॉर्डर गन ही? हेलो हेलो, अरे इसका मतलब वो आर्मी में नहीं जाने वाला? मेरे भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वैसे भी मुझे लवर तो बोल ही दिया है ना, अब तुम्हारा लवर कब आने वाला है ये सही से पूछ लो, उसके आते ही उसके साथ भाग जाना। तुम्हारे घर वाले समझेंगे तुम मेरे साथ भाग चुकी हो, उससे क्या होगा, तुम भी सेफ और तुम्हारा लवर भी सेफ, ठीक है ना? सुनो गाँव का नाम क्या है? लक्ष्मण तीर्थ। मैंने बोला था ना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। मैं वादा कर चुका हूँ कि इस जमीन पर एक फैक्ट्री खड़ी होगी और हमारे खानदान का किया हुआ वादा कभी टलता नहीं है। 10 दिन का वक्त दे रहा हूँ, त्योहार खत्म होने के बाद जमीन देकर पैसा ले जाओ। मगर हमारी जमीन नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। भगवान के सामने तू ऊंची आवाज में बात कर सकता है, लेकिन मेरे दादा के सामने कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान तुझे माफ कर सकता है लेकिन मैं नहीं करूंगा। बेटा छोड़ दे। अच्छा मैडम, तुमको लव कैसे हुआ? तुम्हारी लव स्टोरी तो बताओ। समझो तुम्हारे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम दोनों का लव कैसे हुआ, तो मैं क्या बोलूं? इसलिए इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ना, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो जान दो, मैं नहीं पूछूंगा। आई डोंट केयर। अच्छा ये बता, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? BSc। कहाँ पढ़ी हो? मैसूर में। ओहो मैसूर, हमारा ही तो बेल्ट है। वैसे मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। फर्स्ट टाइम कॉफी डे में देखा, नेक्स्ट टाइम बस में देखा, थर्ड टाइम बस स्टॉप पर देखा, मगर तुमने देखा ही नहीं। एक बार बारिश आ रही थी तो मैंने तुम्हें छाता दिया, दूसरी बार बैग छोड़कर गई थी तो मैंने तुम्हें बैग ला कर दिया, तुमने थैंक यू बोला, मैंने आई लव यू बोल दिया। स्टार्ट में तो हूँ हूँ बोली, लेकिन बाद में हाँ बोल दी। हाँ हेलो बस में हूँ जी, हाँ पहुँच रही हूँ। अरे कहाँ है तुम्हारा गांव, दिख ही नहीं रहा है। थोड़ी दूर चलकर जाना होगा। क्या बात है, तुम्हारा गांव तो कलरफुल लग रहा है, यहाँ मेला चल रहा है क्या? ओह कौन से भगवान का? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी सिंह निवास। ओहो अरे कमाल है, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, पूरा खाली खाली लग रहा है। इतनी बड़ी हवेली, लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें? अप्पा जी वो आ गया। वो आ गया? अरे कौन आ गया? ए कैंपस सीनो मूसा, पकड़ो उसे।
वक्त यहाँ क्यों आ गए? सर, आप मेरे लिए भगवान की तरह आए हैं। अगर आपको आने में दो मिनट भी देर हो जाती तो पता नहीं ये लोग मेरी जान ही ले लेते। करेक्ट टाइम पर आकर आपने मेरी जान बचा ली। थैंक यू सो मच सर, मैं चलता हूँ, बाय। हाय सर, उन्हें रोकिए ना सर, आप लोगों का इतना बड़ा दिल होगा माँ कसम मुझे पता नहीं था, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ सर। इन्हें रोकिए ना सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इनको घर नीचे करने के लिए बोलिए। बड़े घर वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे भगा कर ले जाना गलत बात है, ये मुझे बाद में पता चला सर, इसलिए मैं आपकी बेटी को वापस ले आया हूँ। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए सर। अरे मेरी माँ, तुझे सलाम हो। अब जो कुछ भी हो, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर जो भी लड़का देखेंगे उसके साथ तुम खुश रहो, लेकिन भगवान के लिए मुझे भूल जाओ और मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तो जा रहा हूँ। भाई बोलिए ससुर जी, मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। सर मुझे फोन आया था सर, आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरा स्टेट ही नहीं, इस देश के किसी भी कोने में रहूंगा तो मुझे मार के टपका देंगे, ऐसा बोला था सर। कौन? वही सर जो आपके दुश्मन है, वो लोग। हाँ सर, चार पाँच लोगों से मैंने पूछा तो आप लोगों से भी वो लोग ज्यादा स्ट्रांग है ऐसा बताए थे। ये तो नामुमकिन है सर, आप फोन करके बोल दीजिए मैंने आपकी बेटी को घर लाकर छोड़ दिया है। आप लोग आपस में कुछ भी कीजिए, मुझे क्या लेने देना, मेरे लिए तो मेरी जान इम्पोर्टेंट है। बाय सर, बाय सर, बाय मैडम। ससुर जी बोलिए तो सही, मैं इसे गोली मारूं। जब ये लोग इतने स्ट्रांग हैं तो पता नहीं सामने वाली पार्टी कितनी स्ट्रांग होगी। हे भगवान, मेरे शिव भगवान। रुक जाओ, इधर आओ। सर हमारे घर की बेटी किसके साथ जिएगी, किसके साथ घर बसाएगी, इसका फैसला करने वाले हम हैं। सर तुम दोनों का प्यार मुझे मंजूर है, जाओ अंदर। ससुर जी आपने ठीक नहीं किया, अगर आपको आने में थोड़ी देर होती तो मैं उसे शूट कर देता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अपने घर का कपड़ा अगर कांटे पर गिर जाए तो उसे संभाल कर निकालना ही बुद्धिमान का काम है। हाँ। वो छोड़कर जाने को तैयार है। हाँ। और अपनी बेटी के रिश्ते की बातचीत भी हो गई है। हाँ। त्योहार खत्म होने तक चुपचाप बैठे रहो। हाँ। खाना खा लिया? हाँ खा लिया। तो चुपचाप जाकर सो जाओ। ये सब क्या चल रहा है? इसे भोबी क्रीड़ा कहते हैं। अब वो जो मटका है उसे जो आदमी पहले फोड़ेगा उस गांव वाले को सारा हक मिल जाएगा। ये इतना भयंकर तरीके से क्यों बता रहे हो भाई? ये बात और भी भयंकर है। कैरेक्टर में इतना डरा रहे हो यार, कमाल है। इस बार भी शेर खानदान के लोग जीते हैं। अरे रेफरी भाई, ये युद्ध कैसा, ये कैसी दुश्मनी है, कुछ समझाओ यार। ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा।
तो वो कहानी छोटी करके बताओ ना। करीब 150 साल पहले पुराने मैसूर शहर से दो प्रतिष्ठित खानदान के लोग यहाँ पर आए थे। पहला खानदान था सिंह खानदान और दूसरा खानदान था जमींदार शेर खानदान। सिंह खानदान के लड़के की शादी जमींदार शेर खानदान की लड़की से हुई। सिंह पैदा हुआ है, शेर पैदा हुआ है। हाँ ठीक है। हमारे अप्पा जी के 3 बच्चे थे, एक लड़का 2 लड़की। उनका बेटा भगवान का रूप, जनता की सेवा ही उनका धर्म। और जमींदार का भी एक बेटा और एक बेटी। बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया। अम्मा जी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, अपने भाई के बेटे के साथ अपने बेटी की शादी करवाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। अम्मा जी की बेटी ने अपनी सारी बातें भाई को बता दी। वो घर के ही खजांचे से बहुत प्यार करती थी। भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार था। बिना कुछ भी पूछे भाई ने अपने बहन के प्यार को स्वीकार कर लिया और बिना कुछ बताए खजांची के साथ अपनी बहन की शादी कर दी। और ये शादी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के समक्ष हुई। और दूसरी तरफ उस लड़के ने इसे अपना अपमान मानकर 2 लोगों को गोली मारी और खुद भी आत्महत्या कर ली। ये सारी घटना उसकी माँ के सामने हुई, जिस सदमे से उनकी भी मौत हो गई। वही रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मेरे घर में चिराग जलाने का वादा किया था तुमने, लेकिन मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दिया। तुम तो न्याय करते हो ना, तो इसका न्याय करो। न्याय को भगवान मानने वाला खानदान है हमारा, हम न्याय से पीछे नहीं हटते। इसी पल से हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए मर गए, उन्हें गांव से तड़ी पार कर रहा हूँ। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मैं शेर खानदान को दे दूंगा। उस दिन से भाई और बहन का रिश्ता टूट गया, सारे संबंध बिखर गए। बेटा उसके बाद कहाँ चला गया कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद गांव वाले हमेशा आपस में झगड़ते ही रहे, सारे संबंध खत्म हो चुके थे। लेकिन इस जमीन में किसी तरह का कोई रक्तपात ना हो, इसलिए दोनों खानदान के लोगों ने आपस में समझौता किया और ये त्योहार मिलकर मनाते हैं। बस यही कहानी है। ये कहानी है? कहानी नहीं, बकवास है। बस बस, जय अंजनी माता। हनुमान के भक्त हो, जिंदगी में कितना उखाड़ पाए हो। पढ़ाई पढ़ाई, हाई स्कूल फाइनल ईयर फेल सर। सीधे बोलो कि एसएससी फेल हो। बड़ा आए लव करने वाले। ये बताओ काम क्या करते हो? कॉफी डे में काम करता हूँ सर। कॉफी डे में सप्लायर बर्तन? ए, सुन लिया ना, 300 घर वाला बड़ा खानदान है हमारा। इस साम्राज्य का दामाद बनने वाला कॉफी सप्लायर बर्तन घिसने वाला है। छे, अपनी बेटी की शादी मैं इससे नहीं होने दूंगा और ना ही इसके साथ मैं खाना खाऊंगा। hey, कोई भी खाना नहीं खाएगा। हाँ, यही लड़का मिला था इसे। चलो सब यहाँ से। I'm sorry. कोई बात नहीं, हम किसी की इज्जत करें या ना करें, लेकिन खाने की इज्जत तो हमेशा करनी ही चाहिए। दुनिया में हर इंसान कमाता है तो किस लिए कमाता है? खाने के लिए ही ना। नो प्रॉब्लम, तुम खाओ ना। ए, तुमने अपने लवर को फोन किया था? हाँ? चल क्या रहा है यहाँ? ये हमारे गांव की कुश्ती है। You mean WWF? या या या, जो जीतेगा वही पालकी उठाएगा। ओहो। छोड़ना नहीं उसे। ओह। क्या
हाथ कहाँ हो दिया है? देखा तुमने? खाना खाते समय मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। ससुर जी ने मुझे बहुत डांटा। कोई बात नहीं सर, मुझे हराने वाला कोई नहीं है। कोई हो तो सामने आए। कोई है जो इसे हरा सकता है? अगर है तो सामने आए। ये राजा खानदान का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम में तुम फटे हुए कपड़े पहन कर आए हो? हराएगा हराएगा उसे हमारा ये लड़का हराएगा, ये लड़ेगा तुमसे। ए इधर आ तू, चला जा। अब तेरी खैर नहीं। तुझे धूल चटाने के लिए मेरा ये सिंह आ रहा है। सिर्फ मेरे खानदान की लड़की से प्यार करने से कुछ नहीं होगा, इस घर का मान सम्मान भी तुझे बचाना होगा। अगर तुम जाकर उससे नहीं लड़ोगे तो मेरे ससुर जी की इज्जत चली जाएगी, और उन्हें अपनी इज्जत जान से भी प्यारी है। अब जाओ बलि चढ़ने वाले बकरे। शुरू करो, बजाओ रे। सब ताली बजाओ, बजाओ, बजाओ। पागल हो गए हो? ऐसा क्यों किया ससुर जी? अरे उसी ने कहा मैं लड़ूंगा, आपकी इज्जत बचाऊंगा। आजमाओ आजमाओ। चिंता मत कीजिए ससुर जी, वो जीतेगा। अरे डरा क्यों रहा है यार, कोई तो दरवाजा खोलो। अरे क्यों मार रहा है यार, बोलता हूँ ना तू ही जीतेगा। अरे मम्मी बचाओ। आजा। अरे बच्चे की जान लेकर क्या? भैया भैया उठो ना भैया, प्लीज भैया उठो ना, उस भगवान को हमारे गांव वाले उठाए ऐसा चाहती हूँ। बजाओ रे नगाड़ा। स्वामी का मंदिर। वाह, ये क्या, यहाँ कोई नया खेल शुरू होने वाला है क्या? ये भी एक नया खेल है। गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी होती तो मैं भी तैयार हो जाता ना। अब तो मैं एकदम फॉर्म में हूँ, सामने वाले को सीधा गिरा दूंगा।
ये तो केले का पत्ता ले जा रहा है, शायद बाजू में शादी का प्रोग्राम चल रहा होगा। मंगनी है सर। क्या कहा, मंगनी? किसकी मंगनी है? आपकी? तो आपकी आपकी आपकी। अरे ये क्या बोल रहे हो यार, किससे पूछ कर रखी है ये मंगनी? अरे पागल हो गए हो क्या? सब मिलकर मुझे सूली पर चढ़ाना चाहते हो? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो मिस्टेक करने वाले हो। नया कपड़ा पहना दिया और त्योहार है रिवाज है ऐसा बोलकर बिल्टअप दे रहे हो क्या? सर, मालिक की मंगनी हमारे लिए त्योहार ही है सर। त्योहार है? तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है, पहले उस लड़की को ढूंढना होगा। सच में बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। अरे ओए, तुम भी मुझ पर क्या अन्याय ढा रही हो? ताजमहल बनाने वाले के हाथ काटने जैसा लग रहा है। तुम्हारे प्यार की हेल्प करने के लिए आया था मैं। देखा जाए तो अपनी मंगनी का नाम सुनते ही मुझे अभी नहीं करनी जिद करके दरवाजा बंद करके कुंडी लगाकर रो रो कर बेहाल होने की बजाय उल्टा इस तरह श्रृंगार करके मेरे सामने खड़ी हो। ओहो, लड़का तो बुद्धू है, लगता है बलि का बकरा बन गया है। तुम तो मुझे फंसाना चाहती हो ना? हां, लेकिन मेरे तैयार होने का कोई सीन नहीं है। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी का मैं क्यों ओनर बन जाऊं? हां, मैं तो ऑलरेडी एंगेज हो चुका हूं। ये रहा एंगेजमेंट रिंग, अगर चाहो तो। ये सारे सवाल मुझे तुमसे पूछने हैं। हाँ, ये बताओ, तुम्हारी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है तो ऐसा ड्रेस पहनकर फिर से एंगेजमेंट करने आए हो? आखिर तुमने समझ क्या रखा है? ये मर्द लोग चाहे जितने एंगेजमेंट कर लेते हैं। क्या मैंने आपसे कहा था उस प्रतियोगिता में जीतने के लिए? आप मेरी हेल्प करने नहीं, मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। सच कहा ना मैंने? अरे तुम भी कमाल करती हो, हर बात पर सुसाइड कर लूंगी ऐसा बोलती रहती हो। अरे मुझे भी तो रोना आता है ना, लेकिन आंसू नहीं आ रहे हैं। पता नहीं तुमको कहाँ से आ जाते हैं, पानी को कहाँ छुपा कर रखती हो, टप टप करके गिराती रहती हो। जरा अपने आप को संभालो। चलो जो हुआ वो जाने दो, लगता है तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं दादाजी से जाके बात करता हूँ। कमाल है, बात बात पे रोने लग जाती है। इस साल कार्तिक दीपोत्सव बहुत धूमधाम से मनाना है। अगर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अरे उनसे क्या बात करनी है? अरे कमाल है, हमसे पूछे बिना एंगेजमेंट रखेंगे तो मैं कर लूंगा क्या? कैसे नहीं करोगे? मैं शादी के लिए मान गया, यही बड़ी बात है। अब क्या सब कुछ हम तुमसे पूछ क्या के करेंगे? जमाई बाबू, कुछ नहीं ससुर जी, इसके नाक पे एक मक्खी बैठी हुई थी, बस वही उड़ाने के लिए मैं कह रहा था, कुछ नहीं। नहीं सर, झूठ बोल रहा है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, पूछे बिना मंगनी इसलिए मैंने। बेटा आज का दिन बहुत अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, ऐसा पंडित जी ने हमें बताया। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जाओ जाओ जाओ। सर लेकिन ओके, देखो अगर अभी मैं गुस्सा हो जाऊंगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तक जो भी किया ना वो सब व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अभी अंगूठी बदल दी तो शादी तो नहीं हो जाएगी ना, इसलिए तुम भी दिल में कुछ मत रखो और मैं भी दिल में कुछ नहीं रखूंगा। सिनेमा स्टाइल में रिंग एक्सचेंज कर देंगे। हाँ? जाते वक्त मैं दे दूंगा, वो आएगा तो उसे दे देना। आज के जमाने में तो रीति रिवाज से होने वाली शादी भी टूट जाती है, तो सिर्फ एक रिंग की वजह से एंगेजमेंट नहीं हो सकती है ना। जब दिल से दिल मिलते हैं तो रियल एंगेजमेंट होती है। पोती की मंगनी की खुशी में बेटा, ये इस मंदिर का पुराना रीति रिवाज है। इस नंदी के बीच से स्वामी का दर्शन किया तो जिंदगी भर खुश रहोगे, ऐसे इस मंदिर की बरसों से मान्यता है। अगर ये सब मेरी लवर को पता चल गया तो पता नहीं वो कितनी नाराज हो जाएगी।
माई फ्रेंड। दूल्हे का नाम सूर्या है मैडम। हाय। नमस्ते। क्या है ये? मैं जो चाहती हूँ तुझे भी वही चाहिए? हाँ मैं क्या करूँ, तुम जो भी चाहती हो वो मुझे भी सूट करता है। हाँ कंग्रेट्स। कुरुक्षेत्र की धरती, कि तुझमें आकर मिलना ही है हम सब की नियत। अब बहुत अच्छा है। मेरी जिंदगी में अभी रामायण शुरू होने वाला है और मुझे यहाँ बैठकर महाभारत देखना पड़ रहा है। ये भी आ गई, अब कैसे समझाऊं इसे? तुम खुश हो ना? हाँ खुश हो या नहीं ये पूछ रही हूँ। मन चाहे चीज मिलेगी तो खुश कैसे नहीं होगी। जब कॉलेज में थी तब बिना पूछे मेरी बुक्स ले जाती थी, सिर्फ बुक्स ही हैं ये सोचकर मैंने जाने दिया। मेरी पसंद की हुई साड़ी जो मैंने खरीदी थी वो बिना पूछे ले गई। मैंने सोचा फ्रेंड है कोई बात नहीं पहनकर दे देगी, पर अब तो तुमने हद ही कर दी। मेरे ही बॉयफ्रेंड को पटाकर उससे एंगेजमेंट करके तुम उसे महाभारत दिखा रही हो। खुश क्यों नहीं होगी? एटलीस्ट मुझे बता दिया होता तो मैं एंगेजमेंट नहीं करती। पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो आदत है ना मेरी पसंद की हुई चीजों को लेने की। चीज? मैं चीज हूँ वो? अभी और क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ? अपनी लव स्टोरी बताओ। ओए प्लीज बताओ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, अपनी लव स्टोरी बताओ उसे। वो फर्स्ट डे ये मुझे कॉफी डे में दिखाई दिए, उसके बाद बस में, थर्ड टाइम बस स्टॉप पर दिखाई दिए। पहले तो मैंने इन्हें नहीं देखा, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई तो इन्होंने छाता दिया, फिर मैं बैग भूल गई थी तो इन्होंने बैग ला कर दिया, और एक दिन आकर आई लव यू कह दिया। पहले मैंने कहा, फिर बाद में कहा। तो इसने प्रपोज किया तुम्हें? पूरा खत्म। अरे ओए, इसने तुमसे तुम्हारी लव स्टोरी पूछी तो तुमने मैंने जो बोला वो क्यों बताया? अरे क्यों मुझे इस तरह फंसा रही हो? आज तक फ्रेंडशिप के नाम पर सैक्रिफाइस करती आई, चलो आज इसे भी तुम्हें दे देती हूँ, तुम खुश हो। गौरी गौरी बेबी बेबी स्टॉप बेबी, आर यू क्राइंग बेबी? आंसू आने जैसा कुछ भी नहीं हुआ है बेबी, सच कह रहा हूँ। मैं सब बता दूंगा ना तो तुम समझ जाओगी। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आमी जाने का बहाना करके यहाँ कर एंगेजमेंट कर ली, मुझसे झूठ कहा तुमने। हाँ रोज तुम्हें कॉल कर करके परेशान हो रही थी मैं, और तुम हो कि मोबाइल स्विच ऑफ करके खुशियाँ मना रहे हो। अरे मोबाइल गुम हो गया था बेबी, तुम्हारे नंबर पे कॉल करके मैंने बहुत ट्राई किया था लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर भी तो याद नहीं। कैसे याद रहेगा नंबर छूटे कहीं के? कितनी मुश्किलों से मैंने अपने घर वालों को मनाया था और तुमने मेरी प्यार से पहनाई हुई एंगेजमेंट रिंग ही गुम कर दी। ओहो व्हाट इज दिस बेबी, अरे मैं उसे कैसे गुम कर सकता हूँ, मैंने तो अपने जेब में रखी है ये देखो। ओके बॉस चीटर, लड़कियों की फीलिंग्स के साथ ऐसे खेलते हो? जब मेरे प्यार से दिए हुए पपी को तुमने लेने से इनकार कर दिया, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था तुम्हारा प्यार में विश्वास ही नहीं है। क्या कहा पपी? अरे कहाँ की बात कहाँ पर करेक्ट कर रही हो बेबी, इट्स नॉट फेयर। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं जानती, हमारे बीच सब खत्म, अब उससे शादी करके खुशी से रहो। दिस इज टू मच बेबी, आप पहले बोल रहा हूं, आपको मालिक बुला रहे हैं, चल निकल बेबी। अब लव इज ग्रेटर देन फ्रेंडशिप and I am a disappointed lover. तुम्हारी इज्जत को होलसेल में जाकर बेच दूंगी। जैसा मेरे साथ हुआ ना वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अरे मैं ऐसा नहीं हूं। चैनल वालों को बुलाऊंगी, पूरी दुनिया को बता दूंगी। बैठो बैठो गौरी बैठो, अरे बैठ जाओ। ओए, अरे आसमान में देखकर ऐसे नक्षत्र क्या गिन रही हो? अरे कुछ तो बोलो, मेरी लाइफ खतरे में, बोलो ना इसे। उसके साथ क्या बात कर रहे हैं रे? हाँ मेरे साथ बात कर, मैं बैठी हूँ ना तेरे सामने। Look into my eyes, answer to my question, engagement कैसे की ये बता मुझे लोफर। No bad words, ये तो गलत बात है गौरी, होने वाले पति को ऐसे नहीं बोला करते। तू और होने वाला पति, तू पति नहीं है बे। गौरी I love you गौरी, I love you too हंसिका। I love you too, Gauri. Hey, shut! Don't touch me. Tell me that. Gauri. I love you, Hansika. धक्का मारो! मुझे तुमने धक्का मारा! मैं बहुत पसंद करती हूँ, Gauri. I love you too. Count करें. One. Gauri. Two.
तुम्हें कैसे समझाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। मैंने कहा ना तुम जीटर हो, मेरे सामने तुमने इसे किस किया, जब मैं नहीं रही होगी तब पता नहीं क्या होगा। मैं तुम्हें चुम्मा देने गया था तो तुम नीचे बैठ गए तो इसे दे दिया। I don't believe it. तो मैं न्यूज चैनल वालों को बुलाऊंगी। Hey, hi गौरी, good morning. अरे बैग लेकर कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हूँ। गांव जा रही हो? अरे त्योहार हो जाने दो, दोनों साथ में चलते हैं ना। हा? तुम यहाँ पर रहो, तुम्हारे ससुर का घर है, मेरा नहीं। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इस खेल को फुल स्टॉप लगा और आओ मेरे साथ आओ। ए, ए, ए। अरे तेरी तो, चलो मेरे साथ। हंसिका ये सब क्या है, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे लव की मैं हेल्प करने आया था तो यहाँ पर मेरा लव बिगड़ गया है। मैं कल से बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरे एक्शन का तुम्हारे ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा लवर कब आने वाला है ये बताओ इसे। हाँ गौरी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, गलती मेरी है। मैं शेर खानदान के लड़के को पसंद करती हूँ, उसका नाम संजय है। मैं फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड करने जा रही थी तो ये मुझे बचाकर यहाँ ले आया। हाँ। संजय के मुंबई से आते ही मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अब सुन लिया ना, समझ गई ना, और अब तो मुझ पर यकीन आ गया ना, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता ये पता चल गया ना। अरे हंसिका तुम्हारे लवर को फोन लगाओ, मैं बात करूंगा। क्या करना चाहती हो तुम? किसी दूसरे से प्यार करती हो तो फिर इसके साथ मंगनी क्यों की तुमने? उस खानदान में आखिर संजय नाम का लड़का कौन है तू जरा बता मुझे। तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो, बता बता मुझे। मारो दादी, और जोर से मारो। हाँ मैंने सब झूठ बोला है, मैं किसी को नहीं चाहती हूँ। मैं जानबूझकर नाटक करके इसे यहाँ लेकर आई हूँ, मगर मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। इसे आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये आपके बेटे का बेटा आपका पोता है। विजय सिम्हा रुद्र प्रताप जी का इकलौता बेटा, सूर्य रुद्र प्रताप। यकीन नहीं हो रहा है ना दादी, मैंने पहली बार इसे इसके एंगेजमेंट में देखा था, इसके माता पिता की बातें मैंने सुन ली थी। सिंह खानदान कितना बड़ा है जानती हो? इतने बड़े खानदान का लड़का है ये, उन लोगों को बिना कुछ बताए तुम ये मंगनी कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। आपको मैं हजार बार कह चुकी हूँ ऐसी बातें मत कीजिए, वो मेरा ही बेटा है। मैं इनके घर गई थी, वहाँ बुआ का फोटो भी देखा, इसके माँ के साथ बात भी की। हाँ वो मेरा सगा बेटा नहीं है, उस खानदान का बेटा है। जिस दिन उसकी माँ ने उसे मेरे हवाले किया था उसी दिन से वो मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा है। मैं अपनी मर्जी से उसे नहीं भेजूंगी, अगर वो चाहे तो तुम उसे ले जा सकती हो। रोज उस फोटो के सामने आप शबरी की तरह इंतजार करती है ना, अब वापस आने के लिए आपका बेटा नहीं रहा, इसलिए मैं आपके पोते को लाई हूँ। इसके पिता ने जो गलती की थी उसकी वजह से आज तक दो खानदान नरक में जी रहे हैं, वो देखने के लिए मैं इसे यहाँ पर लाई हूँ। जब ये प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिस्क ले सकता है तो अपने लोगों को मिलाने के लिए भी ये रिस्क लेगा, और यही करने के लिए मैं इसे यहाँ लाई हूँ, ये ऐसा जरूर करेगा दादी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मारो मुझे मारो। मुझसे गलती हुई है माँ, बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो माँ, अब उस गलती को मैं ही सही करूंगा, और अगर मैं ये काम नहीं कर पाया माँ तो मेरा बेटा आकर करेगा। रुको मेरी बात तो सुनो सूर्य, तुम चाहो तो यहीं रुको, मैं तो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, लाइफ में जितने भी लोग मिले सारे के सारे फंसाने वाले मिले। ची 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 ची, क्या कर्म है मेरा। सूर्य सूर्य सुनो तो। हेलो आंटी, एक मिनट। सूर्य तुम्हारी माँ का फोन है। सुनो ना,
हेलो सूर्या, मुझे माफ कर दे बेटा। इतने दिनों तक तुझसे झूठ छुपाने के लिए वो लड़की जो भी कह रही है वो सब सच है। तू उसी खानदान का बेटा है। मैं तुझे वहां नहीं भेजना चाहती थी बेटा। तेरी तकदीर खुद तुझे वहां लेकर गई है। अब तुझे अपने पिता का एहसान चुकाना है। अगले 4 दिन तक तू उस पिता का बेटा बनकर जीना, उस दादी का पोता बनकर जीना होगा बेटा। उस वंश का उत्तराधिकारी बनकर जी, उन दोनों परिवार को एक कर दे बेटा। अब तेरे बाहर रहने का सिर्फ एक उद्देश्य है, यही तेरा कर्तव्य है और तुझे ये पूरा करना ही होगा बेटा। हंसिका जी, मुझे अपने घर में लेकर चलो। अगर आप खामोश रहेंगे तो कैसे होगा? उन लोगों ने मंदिर की जमीन भी नहीं छोड़ी। आप कुछ तो कीजिए मालिक, कम से कम उनसे बात तो कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। चलो भाई। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, दादाजी हॉस्पिटल में हैं। माँ, यहाँ से वहाँ तक जो क्या हुआ माँ? दादाजी हॉस्पिटल में है बेटा। हाँ, हॉस्पिटल में है। मैं और दादाजी उन लोगों से मिलने के लिए गए थे और आज जमींदार किसी से भी नहीं मिलने वाले हैं। अरे मालिक, मेरी वजह से आपको आना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे रास्ते में मत आया करो, आज आपका टाइम खत्म हुआ। कहां मिलेगा वो? आज उनके गांव में त्योहार है, वहीं पर होगा वो। शक्तिपीठ में बैठकर सर पे हल्दी का पानी डालकर मन में जो भी मन्नत मांगेंगे तो देवी उसे पूरा कर देती है। देवी माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। इतने सालों बाद मेरे एक दादा है, ये मुझे पता चला। उनके प्राणों की रक्षा करना बस यही इच्छा है। Hey,
कुश्ती में जीत गया तो सारी दुनिया जीत जाएगा, इस बात के भ्रम में मत जी। किसी आदमी से पंगा लेने से पहले वो आदमी कौन है, कहाँ का है, उसका खानदान क्या है, ये जानना जरूरी होता है। पूरे गाँव वाले हमें शेर खानदान कहकर बुलाते हैं। सालों से हम लोग यहाँ पर राज करते आ रहे हैं, पूरे गाँव में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, पूरे राज्य में तू जाकर किसी से भी पूछेगा ना तो हम लोग कौन है तुझे मालूम चल जाएगा। लक्ष्मी नहीं बेटा, पीछे हट जा। तेरे खानदान के बारे में पूछो तो तुझे बताना पड़ता है, लेकिन मुझे देखते ही लोग समझ जाते हैं। ए, चीते के पास तेजी होती है, शेर के पास गंभीरता होती है, सिंह के पास गर्जना होती है, लेकिन इस सूर्या के पास तीनों चीजें हैं। मेरे गांव में मुझे सोल्जर कहते हैं। अगर तू सोल्जर है तो बॉर्डर पे जाकर के बंदूक चलाना। अरे बेवकूफ, रोज माँ के बारे में सोचने वाला बेटा भी सोल्जर है, बेटे को देखने वाला पिता भी सोल्जर है, दादा दादी के बारे में सोचने वाला भी सोल्जर है, इतना ही क्यों? हर दिन हर पल अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला हर इंसान भी तो सोल्जर ही है। मैं सोच ही रहा था कि बॉर्डर पर जाने वाले इंसान को भगवान ने यहाँ पर काई को छोड़ दिया। डिसाइड हो गया है, मुझे तो बस युद्ध करना है, चाहे वहां हो या फिर यहाँ पर। अब तू तैयार हो जा बेटा, तू ही पाकिस्तान, मैं हूँ हिंदुस्तान। बॉर्डर तुम पार मत करना, मैं ही पार करूंगा। लाइफ में सबको बर्थ डेट तो याद रहती है, लेकिन किसी को डेथ डेट पता नहीं होती। लेकिन तेरी डेथ डेट मैं बताता हूँ, जब तक वो सांस लेते रहेंगे तब तक तेरे जान की वैलिडिटी है। जिंदा रहोगे तो कहीं और भी प्रॉपर्टी बना पाओगे, ये जमीन के पेपर किसानों को दे दो। ओके सर। कुश्ती में हमारे आदमी को हराने के बाद ही उसे खत्म कर देना चाहिए था, उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती हुई। इसको मारा उसने, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है? शेर खानदान का नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं, सब लोग अपना सर नीचे करके बात करते हैं, उसने सर उठाने की हिम्मत कैसे की? उसकी गर्दन काट कर अगर इस दरवाजे पर उसकी गर्दन नहीं टांगी तो मैं शेर खानदान का बेटा नहीं। आ जाओ विक्रम। हाँ? त्योहार तक रुक जाओ, उसकी मौत मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे खानदान को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर सारे गुण मौजूद है, इसलिए मैंने अपनी पोती की शादी तुमसे करवाने का फैसला किया। मगर तुमने सबके सामने मेरे खानदान को लज्जित कर दिया। उस समय जो वो छोटी सी गलती हुई थी उसकी वजह से आज तक दुखी हूं। अब फिर एक और गलती करके ऐसा मत करो कि मैं अपनी मौत तक दुखी रहूं। इतना ही रहने दो, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। जाओ, कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एम्बिशन चेंज। ए दादाजी ने तो कहा है ना, क्या कह दियो? बुजुर्ग इंसान है, अगर गुस्से में दो बातें बोल दी तो एडजस्ट करना होगा ना। अरे क्या एडजस्ट करना होगा, प्रैक्टिकली जीना सीखो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24। इस एज में तो लड़कियाँ पब क्लब बॉयफ्रेंड इस तरह से एंजॉय करती रहती हैं, और तुम्हें देखो तो तुम दादी भाई इन सबको मिलाने में लगी हुई हो। अरे तुम्हें इतना सीरियल की तरह ओवर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो तुम? जब से तुमसे प्यार किया है कोई गिफ्ट मांगा है क्या? नहीं ना, तो इसे ही गिफ्ट मान लो प्लीज यार।
मेरे लिए इतनी हेल्प कर दो ना। हाँ, वो लोग कौरव लोग हैं, ये पांडव लोग हैं, और मैं श्री कृष्ण परमात्मा दोनों को मिलवाऊंगा। है चल निकल। ये तो कभी सीरियस ही नहीं हो सकता। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो एक लास्ट ट्राई करते हैं। बैठो। अरे आओ ना, फ्रेंडशिप में बहुत ही डीप डूबी हुई हो क्या? हम बेस्ट फ्रेंड्स। एक अच्छे काम के लिए तुम दोनों को त्याग करना होगा। क्या करना है बताओ? कुछ नहीं, कल से 4 दिनों तक तुम दोनों को मुझसे बात नहीं करनी है। हाँ? क्यों? इतना बड़ा लॉकर ओपन करने के लिए छोटे से पिन की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह बड़ी समस्या का कोई छोटा सा सॉल्यूशन होता है। जो शक्ति से नहीं होता उसे युक्ति से करना पड़ता है। प्यार से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो प्यार से ही उसका एंड करना होगा। प्यार से? या बेबी, वो भी मेरे स्टाइल से। ये लो, आम को देखकर खाना चाहती हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक्सप्रेस करना सीखो। मेरा भी आपकी तरह सेम कैरेक्टर है, इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हें पहली नजर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, लव एट फर्स्ट साइट। डरो मत, मैं ऑपोजिट पार्टी का होकर भी आपसे प्यार करता हूँ कह रहा हूँ तो आपको गुस्सा आ रहा होगा। मैं आपको पसंद करता हूँ तो आपको भी मुझे पसंद करना ही है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। जस्ट एक्सप्रेस कर रहा हूँ बस। सच कहूँ तो हंसिका से मैंने अपने मर्जी से एंगेजमेंट नहीं की थी, मुझे धोखा देकर एंगेजमेंट करवाई गई थी। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं सच कह रहा हूँ। क्या हुआ है जरा समझाइए ना मुझे। बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ, एक हफ्ते तक मुझसे प्यार का नाटक करो ऐसा बोलकर मुझे इमोशनली लॉक कर दिया। और लवर्स का प्रॉब्लम सुनकर तो मैं पहले ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। जो भी मुसीबत आने दो, लवर्स को खुश रहना चाहिए ऐसा सोचने वाला मैं कैंडिडेट हूँ। और देखो ना, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। क्या कह रहा है ये? लगता है दाना डाल रहा है। क्यों? अगर इसने इस लड़की से शादी कर ली ना तो दोनों फैमिलीज एक हो जाएंगे ऐसा सोच रहा है। ओहो हो, इसे ही त्याग कर रहा था क्या ये? बाय बाय बाय। इधर आ। क्या है वहाँ देख? हंसिका, जिस स्पीड से वो जा रहा है लगता है आज तो उसे पटा ही लेगा। नहीं, गांव की लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं, इतनी आसानी से नहीं पटती। नहीं, तू उसके बारे में नहीं जानती, वो बहुत स्मार्ट है, डायलॉग से ही उसे पटा लेगा। I love you. प्रपोज कर रहा है। शौक मत होना, मैंने आपको आई लव यू बोला तो आपको भी मान लेना चाहिए, जरूरी नहीं है ना। जस्ट एक्सप्रेस कर रहे हो ना। ये सारी बातें दिल पे मत लगाइए। इट्स ओके। जमीन को बारिश चाहिए, बारिश को फूल चाहिए, और इस फूल को लड़की का हाथ चाहिए। मैं आपकी हंसी देखने के लिए बेताब हूँ। सो स्वीट। मैंने कहा था ना, वो उसे अपने डायलॉग से पता ही लेगा। थैंक यू जानू। By the way, ये कमरबंद बहुत अच्छा है। Double thank you. झुमका भी। हाँ। Thank you, thank you, thank you. लक्ष्मी के जैसी दिखती हो। चिड़िया? अरे वो तो सुपर्ब है। सुपर्ब, सुपर्ब। बहुत थैंक यू। ओके बाय। कल मैं गांव के बाहर पहाड़ के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसकी तो इसे तो मुझे क्या कर रही है? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ दो। क्या है? फ्रेंडशिप इज बेटर देन एवरीथिंग। चल, लहंगा दुपट्टा छोड़कर ये सीधा चूड़ीदार में आ गई। गांव की लड़की है, तूने कहा था स्लो होगी, ये तो 4G से भी ज्यादा स्पीड में है। hey, हाय। तुम लेट आओगी सोचकर मैं भी थोड़ा सा लेट आ गया। जल्दी आओगे सोचकर मैं भी थोड़ा जल्दी आ गई। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। एक बात कहनी है। बोलो ना। एक्चुअली Actually, मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी थी। सेकंड टाइम मिलने के बाद
मुझे आप बहुत अच्छे लगे। थर्ड टाइम मिलने के बाद मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है। आपने तो कम्प्लीटली मुझे इम्प्रेस कर दिया। खाना खाना चाहती हूँ पर भूख ही नहीं लगती। अच्छा। सोना चाहती हूँ पर नींद ही नहीं ऐसा? आती। मुझे तो लगता है आप पे मेरे पे मेरा दिल आ गया है। ये सब क्या चल रहा है वहाँ? वो लोग उस पत्थर पर अपने प्यार का मंडप बना रहे हैं। आई लव यू। अच्छा है, अच्छा है। और बताओ। मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट भी। तीन दिन में ही इसे पटा लिया। तुम्हारे खानदान को मिलाने के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद हो गई यार। फीलिंग सेम। वाओ, सो क्यूट। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक बार हग कर सकती हूँ? प्लीज। कड़क से पकड़ना। यस। हग। ये सब मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती। मैं भी देख नहीं पाऊंगी। देखिए, यही मेरा इकलौता लड़का है। LLB पढ़ा है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि अच्छे से खानदान से हमें बहू मिल जाए। हम जानते हैं आपका दिल बहुत बड़ा है, बस आप अपनी पोती की शादी हमारे बेटे से करवा दीजिए। पहले लड़की तो देख लो। लक्ष्मी। ठीक है। शास्त्री जी ने कहा था कि लड़की का नाम बहुत अच्छा है, पूछ लीजिए इन्हें। शास्त्री जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा नाम है, बहुत मंगलदायक नाम है। ये तो गुरु बल, तारा बल, चंद्र बल सब बहुत अच्छे हैं। बातचीत करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है और विवाह के लिए 4 दिन के बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। क्यों बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है? दादाजी, जो आपका फैसला वही मेरा। दादा, हमारा खानदान किसी गुरु की बात को अस्वीकार नहीं करता है। हमारी तरफ से हाँ है। क्या लड़की है, इतना अर्जेंट आने के लिए बोलती है और इतनी देर लगा देती है। ये ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बस कहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब उसे थप्पड़ मार दो। पर ये है कहाँ? वहाँ। चल। वाह, खुद ही अर्जेंट आने के लिए बोलती हो और बाद में खुद लेट हो जाती हो। बताओ बात क्या है? बहुत सीरियस बात है। सीरियस है क्या? आपको एक बात बतानी है, मुझे डांटना मत। मुझे डांटना वाटना नहीं आता है, बोलो। शॉक लग सकता है। ए, बाय बर्थ डबल हार्ट है, कोई बात नहीं, चलो बोलो। एक्चुअली मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। ये क्या बोल रही हो लक्ष्मी जी? प्यार करने का सिर्फ नाटक किया था बस। आर यू सीरियस? मैं प्यार करती हूँ सिर्फ उनसे। किससे? उनसे। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत भंडारी है। मैं पिछले 3 साल से इनसे प्यार करता हूँ, मैं इसका लवर हूँ। तो फिर मैं क्या, खाली जोकर हूँ? अरे मुझे क्यों ऐसे फूल बनाया? मैं तो कितनी आशा के साथ आया था, सब आउट हो गया। ये ए, तू सच कह रही है ना? कहीं तू तो उसे प्यार नहीं करती? नहीं तो मुझे तो डाउट है। एक्चुअली आपने ही उस दिन कहा था ना कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। क्या कहा? कॉन्सेप्ट काहे का? वही, लवर्स मुझे बहुत पसंद है। उन्हें मिलवाने के लिए आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। वही। उसका और इसका क्या कनेक्शन है? आपसे मैं प्यार करने का नाटक करके आपके साथ भाग जाऊंगी। मेरे घर वाले सोचेंगे कि मैं आपके साथ भाग गई हूँ। और बाद में मैं इसके साथ भाग जाऊंगी, तब मैं भी सेफ और मेरे लवर भी सेफ। व्हाट एन आईडिया मैडम, इतना बड़ा फाइट चल रहा था, आप तभी फोन पर बात कर रही थी, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप एक नंबर कमिटेड हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। चलो खुश रहो, एंजॉय, कैरी ऑन। नो कैरी ऑन, अब हमारा प्लान पूरा उल्टा हो गया है। अब मेरी किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गई है। अब हम दोनों भाग गए तो मेरे घर वाले जान ले लेंगे। और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। तो फिर तुम हमारी हेल्प कर दो ना, प्लीज 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 प्लीज। जाओ यहाँ से। सुनो, एक बार ट्राई तो करो। ट्राई? लवर्स के लिए मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिए हैं, चलो यहाँ भी एक ले लेते हैं। चुप। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे गलत समझा भगवान जी। मैंने इतने अच्छे लड़के पर डाउट किया, आई एम सॉरी भगवान जी। 7 जन्मों तक इसे ही मेरा पति बनाना। ठीक है, अब तुम दोनों जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना। वाओ, क्या ड्रेस है! इस ड्रेस में बिल्कुल फिल्म स्टार लग रहा है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी ड्रेस दिलवा दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। मालिक, आप बिल्कुल चिंता, मालिक
लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी मालकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही, उनके कमरे में से ये चिट्ठी मिली है। अरे लक्ष्मी की चिट्ठी! पूज्य दादाजी, आपने मुझे बहुत लाड़ो प्यार से पाला है, लेकिन मेरी शादी फिक्स करके आपने गलती की। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं संस्कृत के अध्यापक प्रशांत भंडारी से प्यार करती हूँ। मेरे तीनों भाइयों ने मेरा जरा भी साथ नहीं दिया, लेकिन उस सिंह के खानदान वाले सूर्या ने मेरा साथ दिया। मैं तो उसी अध्यापक से शादी करूंगी। लक्ष्मी विक्रम, कुछ करो ना। अरे कहीं रहो ना, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। कोई कार आ रही है। रुको। भैया कौन है ये? मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है भैया। मेरी बहन से शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मार दो इसे! भैया, छी, कैसे भाई हो तुम? तुमसे तो अच्छा वो सिंह खानदान वाला लड़का है भैया। 25 साल पहले उसके भाई ने एक खजांची को चाहने वाली उसकी बहन के साथ आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना उनकी शादी करवा दी थी, और तुम हो कि अपनी ही बहन के सामने उसके प्यार का खून करने जा रहे हो। कैसे भाई हो तुम? ठीक, शर्म आती है मुझे तुम पर। अगर तुमने इसे छुआ भी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तू अगर भागना चाहती है तो भाग जा, मुझसे गुस्सा है तो मुझे थप्पड़ मार दे, मगर ऐसी बातें मत कर मुझसे। तू जाती है, मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी है। भैया, भैया, देख, तुम्हारा ऐसी बातें मत करना। तू जैसा चाहेगी ना बहना, वैसा ही होगा। तू इससे शादी करना चाहती है, इसी से शादी कर जा। ए, मेरी बहन का ख्याल रखना। ए, 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 रुको। चंदू को फोन कर। हेलो चंदू। लक्ष्मी घर में चिट्ठी रखकर भाग गई है। वो सिंह खानदान वाला सूर्या नरसिम्हा स्वामी के मंदिर में उन दोनों की शादी करवा रहा है। ए, रुको, गाड़ी पीछे लो, फास्ट। कैसी आइडिया दी तुमने, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हमारी जान चली जाती, पता है तुम्हें? चाहने वालों के साथ लाइफ लॉन्ग जीना चाहते हो तो जान को खतरे में डालना ही पड़ता है, पता है ना? हाँ, हाँ। क्या कह रहे हो? ऐसा क्या? ये क्या दामाद जी, भगवान के सामने ऐसा मुंह क्यों बना? मैंने उस दिन कहा था, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आप उसे इस खानदान का रक्षक बोल रहे थे, लेकिन वो तो हमारी जान लेने पर तुला है। पर हुआ क्या? वो लड़का सूर्या, हाँ, शेर खानदान की, हाँ, लड़की को ले जा करके एक लड़के से शादी करवा रहा है। गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तूने शेर की मान में हाथ डाल के अपनी मौत को बुलावा दिया है। गलत किया, मुझसे पंगा लेकर तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। किसके सामने खड़े रहकर बात कर रहे हो ये पता भी है? मैं सूर्या हूँ, फ्रेंड्स मुझे सोल्जर कहते हैं और लोग मुझे लोकल लीडर कह के बुलाते हैं। इस मिट्टी में कदम रखने के बाद, इस सिम्हा खानदान की सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ।
विजय सिम्हा रुद्र प्रताप जी का एक ही पुत्र, वन एंड ओनली सन, सूर्य रुद्र प्रताप। क्यों, नाम सुनते ही गुस्सा बहुत बढ़ गया क्या, या फिर अंदर से खून उबलने लग गया? मुझे इसी जगह पर मारना चाहते हो ना? बस बहुत हो गया। मरकर 25 साल पूरे होने के बाद भी लोगों द्वारा रखा हुआ मेरे पिताजी पर का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ, और उनके नाम की वैल्यू भी कम नहीं हुई। और तुम लोग बदला लेने के लिए मर रहे हो? अभी भी कहता हूँ कि ये झगड़ा वगड़ा सब बंद कर दो। लेकिन तुम लोग तो सिर्फ मारना और काटना ही जानते हो ना, दुश्मनी बढ़ाना तुम लोगों की आदत है। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी दुश्मनी का सामना करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। इसी जगह इसी पल ये डिसाइड हो जाएगा, युद्ध को रुकवाने के लिए युद्ध करना होगा तो फिर आओ। गांव के बीच नहीं, थोड़े लोगों के बीच नहीं, खानदान खानदान के बीच नहीं, ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच का है। आ जाओ, शेर पाले हैं, तीन तीन शेर पाले हैं, तो आ जाओ। बहुत बोलते रहते हो ना, भेजो तुम्हारे पोतों को, एक साथ भेजो। सिम्हा वेटिंग। कर दो इसे। बोटी बोटी कर दो इसकी। लेकिन पीछे से नहीं मारो, अगर मारना है तो आगे से मारो, इधर उधर नहीं। अगर मारना है तो फिर दिल पर मारो, मुझे दिल पर मारना पसंद है। अरे मारो ना भैया। भैया वो मेरा पोता है। भैया मेरी आधी उम्र आपको मिल जाए, यही मेरी इच्छा है भैया। ससुर जी, इसका नाम निर्मला है, मेरी खास दोस्त। क्यों रुक गए, मारने को नहीं हो रहा है ना? क्यों, बहन के प्यार ने और ममता ने आपके हाथ बांध दिए क्या? 25 सालों से नहीं सुना आपकी बहन की आवाज में इतनी ताकत है, तो 25 साल साथ में रहने वाली मेरे पिताजी की बहन की आवाज में कितनी ताकत होगी, इसका अंदाजा भी है। रुक क्यों गए, बहन अगर प्यारी है तो ऐसा लगेगा। उस दिन वो मरने जा रही थी तो मेरी बहन की जान मेरे लिए मुख्य है, ऐसा मेरे पिताजी को लगा होगा। उस दिन चाहे मैं रहूं या फिर आप रहिए, वो बहन के बारे में ही सोचेगा। एक बहन का प्यार अपने भाई के लिए बहुत अहमियत रखता है, चाहे कितने भी युग बदल क्यों ना जाए, बहन बहन होती है। उस दिन मेरे पिताजी का किया हुआ अगर गलत था, तो आज आपकी पोती जो कर रही है वो भी गलत है। आपके पोती को भगाने में मैंने मदद की है, तो इनको भी मारना होगा। सबको मार डालिए। यहाँ मारिए मुझे, मारिए, यहाँ मारिए मुझे। रुको, रुक क्यों गए, मारिए ना। रुक जाओ, 25 सालों से अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ क्या? वो मेरा पोता है, मेरा पोता है, उसे मारना चाहते हो तो
तो मुझे मारो, मुझे मारो, हाँ मुझे मारो, मार दो मुझे। मैं इतना क्रूर हूँ जीजाजी। इतने दिनों तक मैं अंधकार में था, तुम्हारे पोते ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे माफ कर दो जी। मैंने अपना वादा निभाया, मैं आपका ही बेटा हूं ना, लेकिन मेरी आपको जरूरत नहीं ना, मेरी जरूरत नहीं है ना, नहीं चाहिए ना मम्मी। समझ के बेटा, आज भी तू मेरा ही बेटा है। कृष्णा को देवकी ने जन्म दिया है पर यशोदा ने पाला है, तू मेरा बेटा है। अरे जब देखो तब तुम जय जय बोलते हो, अरे आज तो इनके लिए एक बार जय बोलो। दोनों खानदानों के मिलने की खुशी में जय। दो खानदान मिल गए, रिश्ता भी एक हो गया, अलग अलग अर्पित होने वाला अब एक होकर उस नरसिंह स्वामी पर अर्पित हो रहा है। ये सब हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में अब कोई सरप्राइज नहीं है तो ऐसा मत सोचिए, एक सरप्राइज रेडी है। क्या कहा, आर्मी में नहीं गया? अब मैं उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। छे! नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ वो जा रहा है। अरे जा गुरु जा। हाँ ट्रेन के अंदर चला गया। ए, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। फिर से सुसाइड? वो क्यों? इस बार मुझे सच्ची में प्यार हुआ है। किससे प्यार हो गया? हाँ तुमसे।